अच्छा, मैं चाह रहा था ये सेशन थोड़ा सा इंटरेक्टिव हो, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ये बिल्कुल म्यूट में तो मज़ा नहीं आएगा, और लेकिन जो है वो अपने माइक को जो है वो म्यूट करके रखें, इन केस अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूँ और कोई आंसर करना चाहे तो वो अनम्यूट करके रिप्लाई कर सकता है, या वो हैंड रेज भी कर सकता है, तो जो ऑर्गेनाइज़र हैं वो उसको उस तरीके से फिर अलाउ कर देंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन ऑलरेडी आप लोगों को मिल चुका है, और ये कुछ चीज़ें हैं। अगर कोई मुझसे कनेक्ट होना चाहे तो स्काइप या लिंकडिन वगैरह, या मेरा अपना यूट्यूब चैनल भी है, तो इससे आप कनेक्ट हो सकते हैं मुझसे। आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ पाकिस्तान एजाइल एजुकेशन अलॉन्ग विद पोंडर अलायंस, एंड आई एम फाउंडिंग मेम्बर ऑफ पाकिस्तान सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सोसाइटी एंड मिनिस्ट्री ऑफ टेस्टिंग कराची चैप्टर। सो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू नो योर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग दिस सेशन। सो मुझे क्विकली जो है कुछ लोग बताएंगे कि इस सेशन से एक्सपेक्टेशन क्या है उनकी। मैं इस सेशन को बहुत ज़्यादा फॉर्मल लेके नहीं चलना चाह रहा, और जितना ज़्यादा जो है हम इनफॉर्मल होंगे उतना ज़्यादा जो है वो सीखने को मिलेगा, उतना ज़्यादा हम जो है वो क्वेश्चंस को डील कर पाएंगे। तो कोई मुझे दो तीन लोग बताएं कि उनका ये सेशन क्यों लेना चाह रहे हैं, व्हाट आर देयर एक्सपेक्टेशंस। हीरो बोलना सीखो, ये हम इस सेशन में आगे कुछ चीज़ें हैं वो हम देखेंगे। मेनली तो ये सेशन SQS से रिलेटेड है, लेकिन और बहुत सारे जो बिहेवियर वाली चीज़ें हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, जो इंटरव्यूज़ में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ जो है वो लोग लोगों के साथ होता है। Everyone is now unmuted. ओके सो हम यहाँ पे थे कि आई वॉज आस्किंग अबाउट द एक्सपेक्टेशन अबाउट दिस सेशन। तो अपनी एक्सपेक्टेशन बताओगे मुझे तुम लोग, कोई भी तीन चार लोग, ताकि मुझे एक आइडिया हो जाए, क्योंकि सेशन में स्टूडेंट भी होंगे, कुछ एक्सपीरियंस लोग भी होंगे, तो रैंडम। यस प्लीज़ ब्रेक द आइस। अच्छा, कुछ लोग तो जाने पहचाने मुझे नज़र आ रहे हैं, और मैं असल में अनम्यूट नहीं कर पा रहा हूँ। तो सर अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही? जी आ रही है। मोहम्मद मास सर, मेरी एक्सपेक्टेशन जो मेरे इस कोर्स में कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंश्योरेंस की फील्ड है ना स्टार्टिंग में, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि आप प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे कि शुरू में किन चीज़ों को वो किया जाए, मतलब एक बिगिनर जो जूनियर होता है वो क्या किन चीज़ों को इम्पोर्टेंट दे और फिर उसी उसी हिसाब से आगे आगे बढ़ता जाए। मतलब अब जीरा पहले बिगनर को या आना नहीं चाहिए, मतलब शुरू शुरू में कुछ चीज़ें तो पहले बंदे को पता, तो हाँ मेरी ये एक्सपेक्टेशन है। वो भी ठीक है। कोई और? अस्सलामुअलैकुम सर, मैं अहमद बात कर रहा हूँ। हमारी पहले जगह की बात की रोज की मुलाकात जी हम्माद। यूनिवर्सिटी से। हाँ, मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि मुझे तकरीबन 8 महीने हो गए हैं HP की फील्ड में, लेकिन हमारे यहाँ टोटल मैनुअल टेस्टिंग होती है, और जहाँ तक मेरा इंटरेस्ट है कि मैं ऑटोमेशन की तरफ जाऊँ, तो मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि आप इस सेशन से मुझे एक पाथ मिल सकेगा कि मुझे किस तरह अपनी कंपनी में ही ऑटोमेशन स्टार्ट करनी चाहिए। मतलब एक आइडिया हो जाएगा कि इस तरह मैं ऑटोमेशन पे या इसी तरह मैं अपनी SQA को अपने कंपनी में बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकता ठीक है, गुड। अब मैं भी थोड़ा कुछ बोलूं। हेलो जी। जी, मेरा मैं तो चूंकि एक्सपीरियंस बन रहा हूँ और मुझे ऑलमोस्ट 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो मेरी एक्सपेक्टेशन जो अभी आपसे है ना वो ये है कि जो लोग मतलब मेरा नए हैं और जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो उनको ये पता चले कि भाई QA की इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। मतलब QA की मतलब हमारी जो फील्ड है, मतलब
कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी जो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर वो विदाउट क्यूए भी काम कर रहे होते हैं, और फिर उनके उनको क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, और उसमें क्यूए का क्या इम्पोर्टेंट रोल होता है, ठीक है। और अगर जैसे अभी ये जो भाई जो थे हमारे, इन्होंने भी जैसे बात की कि इनको ऑटोमेशन स्टार्ट करनी है, तो ऑटोमेशन से पहले जो है वो मैनुअल होती है, तो मैनुअल की क्या इम्पोर्टेंस है, ये नहीं उसके लिए कि जो बंदा ऑटोमेशन में जाना चाहता है, ठीक है। ये चीज़ें हमें तो पता है क्योंकि हम एक्सपीरियंस हैं, लेकिन जब आप बताएंगे तो वो जाहिर सी बात है कि बहुत अच्छे उसमें बताएंगे, आपका एक्सपीरियंस भी मुझसे ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो जब ये लोग, ये नए जो लोग हैं, इस चीज़ को ग्रैब कर लेंगे कि क्या इम्पोर्टेंस है मैनुअल के आने के लिए, ऑटोमेशन आने के लिए मैनुअल की, तो जो है आप एक अच्छी ऑटोमेशन इंजीनियर बन सकते हैं। तो बस ये ठीक है, एक्सपेक्टेशंस जो है वो बहुत अच्छी वेरिएशंस में जो है वो पता चल गई हैं। तो मैंने जो ये सेशन को डिज़ाइन किया है, मेनली इट वाज फॉर स्टूडेंट एज वेल एज एक्सपीरियंस रिसोर्सेज। तो हम स्टार्ट से ही चलना शुरू करेंगे कि स्टूडेंट जो है वो उनको क्या क्या जो है वो इश्यूज फेस करने पड़ते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, और जब वो कन्वर्ट हो रहे होते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, तो जो मेन हर्डल है वो है इंटरव्यूज़ का, फिर टूल्स का, और थर्ड चीज़ है कि एक्सपीरियंस ना होने का, क्योंकि हर कोई एक्सपेक्ट करता है कि हमें एक्सपीरियंस रिसोर्सेज चाहिए। तो इन सब चीज़ों का हम कोशिश करेंगे कि सोल्यूशन निकालें, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे, क्वालिटी अश्योरेंस, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड सॉफ्टवेयर टेस्ट ऑटोमेशन। तो अगर मैं स्टार्ट करूं कि जॉब रेशो से, इंडस्ट्री के अंदर इस वक्त 50 to 60% जॉब्स जो हैं वो डेवलपमेंट की होती है। वो किसी भी आप लैंग्वेज ले लें, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ ले लें, फ्रेमवर्क ले लें, कुछ मैंने मेंशन किए हैं जो टॉप हैं, .NET, जावा, पाइथन, इनके अलावा भी हैं। तो जो रेशो है जॉब का वो 50 to 60% जो है वो कवरेज है डेवलपमेंट का। ऑब्वियसली हर कोई डेवलपर नहीं होता है, और बदकिस्मती से हमारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो डिफ़ॉल्ट में जो हैं वो डेवलपर ही प्रोड्यूस करने की कोशिश करती हैं, जो कि एक गलत माइंडसेट है और स्टाइल है यूनिवर्सिटीज़ का। लेकिन अब चीज़ों में मेच्योरिटीज़ जो है वो आती जा रही हैं, और अब सेग्रीगेशन जो हैं वो नज़र आ रही हैं। इंडस्ट्री डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से देखें तो 40 से 50% जॉब जो हैं वो क्वालिटी एश्योरेंस, टेस्टिंग, ऑटोमेशन से रिलेटेड होती है, और 10 to 15% जो है इसके अलावा जॉब्स हैं जिसमें आपके डेटाबेस से रिलेटेड हो सकती हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डेटाबेस डेवलपर्स, बिजनेस एनालिस्ट, यूआई, यूज़र एक्सपीरियंस, रिसोर्सेज, सिस्टम सपोर्ट, नेटवर्क, तो या इसके अलावा कुछ और हैं। तो इनका जो रेशो है वो 10 to 15% है। तो अब यहाँ पे मेरा पॉइंट ये है कि, और काफ़ी मैं ट्रेंड देख रहा हूँ स्टूडेंट का, कि वो बिज़नेस एनालिस्ट या जो राइट की जो 10 to 15% वाली कैटेगरी है वो इस पे इंटरेस्ट ज़्यादा ले रही हैं। लेकिन अगर हम ज़रा प्रैक्टिकल होके सोचें तो इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये है कि आप उस जॉब को टारगेट कर रहे हैं जिसकी, इसका रेशो बहुत ही कम है, और ये रेशो आप किसी से भी वैलिडेट कर सकते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, सॉफ्टवेयर हाउस में आप जाएं तो आपको नज़र आएगा, आपको यही रेशो जो है ये फॉलो होते हुए नज़र आएगा, और इंडस्ट्री के अंदर भी ऑलमोस्ट बिल्कुल इसी हिसाब से जो है, और जॉब भी अगर आप सर्च करेंगे तो आपको जॉब भी जो समहाउ इसी रेशो में नज़र आएगी। तो वाई नॉट चूज़ क्वालिटी एश्योरेंस जो कि 40 से 50% कवरेज है ओवरऑल इंडस्ट्री की जॉब्स का। तो ये चीज़ समझ में आई कि डिफ़ॉल्ट में यूनिवर्सिटीज़ प्रोड्यूस करने की कोशिश करती हैं कि हम डेवलपर्स प्रोड्यूस कर दें, वो जो डेवलपमेंट कर सकते हैं वेल एंड गुड, आप डेवलपमेंट साइट पे जाएं, और वो लोग जो डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं उसके मल्टीपल रीजंस होते हैं कि आइदर उनको इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा होता प्रोग्रामिंग में, या उनका दिमाग प्रोग्रामिंग का नहीं होता, तो फिर उनके लिए जॉब जो है क्वालिटी एश्योरेंस की है, ठीक है। तो इसको हम फर्दर देखेंगे कि क्यूए के इसमें जो है वो डेवलपमेंट कितनी रिक्वायर्ड होती है, और इंटरव्यूज़ में हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होती है एक फ्रेश कैंडिडेट से, स्पेशली एक्सपीरियंस को भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मेनली हम फ्रेश लोगों को टारगेट करेंगे क्योंकि
क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा क्यूरीज आती हैं जॉब्स के लिए, और सबका मेन जो प्रॉब्लम है वो यही है कि हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, और जो कंपनीज़ हैं डिफरेंट वो एक्सपेक्ट करती हैं कि मिनिमम 1 ईयर या 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो। तो इसको भी हम देखेंगे कि इस गैप को किस तरीके से ख़त्म किया जा सकता है। और अगर प्रैक्टिकली या साइकोलॉजिकल हम सोचें, अगर हर इंडिविजुअल ये सोचे कि वो ऑनर है किसी कंपनी का और उसे हायर करना है किसी को, तो ऑब्वियसली वो फ्रेश की तरफ कभी नहीं जाएगा, वो ऐसे रिसोर्स की तरफ जाएगा जो फ्रेश वाले पैसे तो ले ले और काम जो है वो एक्सपीरियंस वाला कर दे। तो हर कोई ये चाहता है। तो खैर, हम इसका सलूशन निकालने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे किसी का कोई सवाल, किसी का कोई इख्तलाफ कि ये रेशो गलत है, क्योंकि मैं चाहूँगा कि ये थोड़ा इंटरेक्टिव सेशन हो, और स्पेशल जो सीनियर लोग हैं मैं चाहूँगा कि वो यहाँ पे बीच बीच में जो है मुझे रोकें, ताकि उससे जो स्टूडेंट्स हैं और जो फ्रेश हैं उनको सीखने का मौका मिले। किसी को कोई इख्तलाफ नहीं है, सारे एग्रीमेंट में कि यही रेशो है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। एक मशहूर कहावत है टॉम डी मार्को की कि इफ़ यू कांट मेजर इट यू कांट मैनेज इट। सो मैनेज करने के लिए मेजर करना जो है वो ज़रूरी है। और अब क्योंकि एजाइल का जो है वो टाइम है और चीज़ें बहुत फास्ट चल रही हैं, तो अब ये थोड़ी सी चेंज हो गई है। अब ये है कि मेजर व्हाट मैटर्स, वो चीज़ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है या वो चीज़ें जो मैटर करती हैं आपके लिए, उसको मेजर करना ज़रूरी है। टेस्टिंग की बहुत सारी डेफिनेशन है, उनमें से एक डेफिनेशन ये है कि टेस्टिंग इज़ द मेजरमेंट ऑफ क्वालिटी। आप क्वालिटी को टेस्टिंग से ही मेजर करते हैं। टेस्टिंग के डेफिनेशन में वर्ड क्वालिटी भी मौजूद है। तो कोई मुझे बताएगा कि क्वालिटी की डेफिनेशन क्या है? और ये एक क्वेश्चन है, मेरे स्टूडेंट अगर यहाँ मौजूद हैं तो उन्हें ये चीज़ तो फैमिलियर लग रही होगी काफ़ी, कि अगर मैं बात करूँ कि मेरे पास अगर दो कार हैं, मर्सिडीज़ बैंस एंड सुजुकी मेहरान, और मैं पूछूँ कि इसमें से अच्छी क्वालिटी किसकी है, तो मुझे इसका भी आंसर दें अलॉन्ग विथ द डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी। आप क्या समझते हैं क्वालिटी क्या है? आई एम एक्सपेक्टिंग कोई स्टूडेंट जो है वो रिप्लाई करें यहाँ पे। यस, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं तो फौरन रिप्लाई करो तो मज़ा भी आएगा और हम तेज़ी से आगे चलेंगे, क्योंकि मेरी कोशिश है हम जितनी ज़्यादा चीज़ें कवर कर लें उतना अच्छा होगा। अच्छा, ऑर्गेनाइज़र जो है ये मैं अनम्यूट नहीं कर पा रहा हूँ किसी को, तो अगर वो अनम्यूट कर दें। या अगर कोई खुद से अनम्यूट कर पा रहा है तो ये प्लीज़ आंसर करें कि वो क्या समझते हैं क्वालिटी की डेफिनेशन क्या है, या क्वालिटी क्या है, और इन दोनों कार्स में से अच्छी क्वालिटी किसकी है? क्वालिटी तो वो होती है जो कि मतलब कोई भी बंदा है उसकी एक्सपेक्टेशन को मीट कर जाए, चाहे वो मतलब इन टर्म्स ऑफ मतलब यानी जो है वो व्यू हो, या इन टर्म्स ऑफ मतलब यानी कंफर्टेबिलिटी हो, मतलब यानी कोई भी क्लाइंट है उसको जो चीज़ उसकी एक्सपेक्टेशन को मीट कर जाए वो मेरे ख्याल में उसके लिए बेसिकली क्वालिटी प्रोडक्ट होता है। ठीक है, वेरी गुड। तो इन दोनों कार्स में से आप बताएंगे मुझे कि अच्छी क्वालिटी किस कार की है? ये डिपेंड करता है आपकी कॉस्ट पर। इन दोनों कार में बहुत बड़ा डिफरेंस है कॉस्ट का, तो जितनी बड़ी कॉस्ट होगी उतनी अच्छी क्वालिटी होगी। ठीक है, वेरी गुड। किसी को इख्तलाफ है मास जो बात कर रहे हैं इससे? अच्छा, मैं चाहूँगा जो स्टूडेंट हैं वो पार्टिसिपेट करें, वरना मज़ा नहीं आएगा। ये जो सारे लोग बोल रहे हैं ये या तो इनका बहुत कम एक्सपीरियंस है या बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो स्टूडेंट क्या सोचते हैं मैं ये जानना चाह रहा हूँ। सर
अगर किसी को शाइनेस है तो इस शाइनेस को ब्रेक करे और सामने आए। क्वालिटी वो ही है कि अगर कोई प्रोडक्ट यूजर की रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रही है, यूजर की रिक्वायरमेंट को मीट कर रही है, ठीक है। अच्छा टैमूर, हम वो चीज प्रोवाइड, मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे ये क्वेश्चन पूछूं कि इन दोनों कार में जो है वो अच्छी क्वालिटी किसकी है? ये सर ये दोनों मिसाल के तौर पे यूजर पे होगा ना, अगर वो किस तरह के रिक्वायरमेंट्स देता है। ठीक है, अच्छा अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि ज़्यादातर लोगों ने यही कहा कि ये दोनों की क्वालिटी हम ऐसे नहीं बता सकते, वेरी गुड। लेकिन अब मैं अगर ऑप्शन रखूँ, देखिए अब मैं ऑप्शन रखूँ कि ये दोनों कार मेरी तरफ से फ्री में गिफ्ट दे रहा हूँ, इनकी फ्यूल भी मेरी तरफ से है, मेंटेनेंस भी मेरी तरफ से, तो कौन सा कार चूज़ करेंगे? मर्सिडीज़ बेंज। तो अभी तो दोनों कार बराबर थी। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन में देता हूँ। स्पेसिफिकेशन पता है ना कार की, इसलिए। ठीक है, गुड। अब नेक्स्ट ऑप्शन में देता हूँ कि आपको किस सुजुकी मेहरान के प्राइस पे करनी है, और दोनों में से कोई एक कार आप चूज करके ले जाएं। अगेन मेंटेनेंस मेरी तरफ से, फ्यूल मेरी तरफ से, तो कौन से कार चूज करेंगे ऑन द प्राइस ऑफ सुजुकी मेहरान? अगेन ज्यादातर चॉइस जो है वो मर्सिडीज बेंज की ही होगी, और अगर मैं ये कहूँ थर्ड चॉइस के मर्सिडीज बेंज की प्राइस पे करो और दोनों में से कोई एक कार चूज कर लो, तो ऑब्वियसली बोलेंगे ज्यादा पे किया है तो मर्सिडीज बेंज ही में परचेज करूंगा। तो यहाँ से मैं क्वालिटी की डेफिनेशन की तरफ लिंक करना चाह रहा हूँ कि क्वालिटी की डेफिनेशन के दो व्यूज हैं। नंबर वन है पॉपुलर व्यू, वो क्या है? क्वालिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू क्लास ब्रांड। अगर मैं चॉइस रखूँ, दो शर्ट हैं, एक अनब्रांडेड है और एक ब्रांडेड शर्ट है मशहूर, लेट सपोज कैम्ब्रिज की, तो हर कोई कौन सी चूज करेगा? कैम्ब्रिज की। रीज़न क्या है कि ह्यूमन ब्रेन जो है वो सोचता ही क्वालिटी को इस तरीके से, इसी वजह से ये पॉपुलर व्यू है क्वालिटी का, कि हर चमकती हुई चीज़ जो है वो क्वालिटी नज़र आएगी, हर ब्रांड आपको क्वालिटी नज़र आएगा। भले उस ब्रांड के पीछे अगर आप जाके देखें तो उनकी प्रोडक्ट्स में रिजेक्शंस भरपूर होंगे, तो फैक्ट्री आउटलेट्स होते हैं, ये क्यों होते हैं? फैक्ट्री आउटलेट्स में रिजेक्टेड आइटम्स होते हैं हमेशा, तो इसका मतलब है कि वो क्या उन्होंने 100% क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर किया है, फेलियर नहीं हुआ था वहाँ पर। अभी हम ये देखेंगे भी आगे कि ये फेलियर वगैरह क्या होते हैं। सो तो टेक्निकल डेफिनेशन जो है वो यही है कि टू मीट कस्टमर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन विद इन टाइम बजट एंड स्कोप। ये जो ट्राइंगल है, दिस ट्राइंगल इज ऑल्सो कॉल्ड द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ट्राइंगल, इसका इक्विलेटरल या बैलेंस होना ज़रूरी है। तीन फैक्टर्स हैं इसके अंदर, स्कोप, टाइम एंड कॉस्ट या बजट। इन तीनों में से अगर हम किसी एक को भी छेड़ेंगे तो हमारे ये ट्राइंगल की शेप जो है वो आउट हो जाएगी, डेट्स मीन हमारी क्वालिटी इफेक्ट करेगी। इसको प्रैक्टिकली अगर मैं समझाऊँ तो स्कोप का मतलब क्या है? वो फीचर्स या फंक्शनैलिटी जो डेवलप होने के लिए आई है, कस्टमर अगर फीचर या फंक्शनैलिटी को मज़ीद ऐड कर दे और जो टाइम था वो वही रहे और कॉस्ट भी वही रहे, तो क्या क्वालिटी वैसे ही रहेगी? ऑब्वियसली नहीं रहेगी, टाइम और कॉस्ट में उसका इफेक्ट आएगा। सिमिलरली अगर कस्टमर कॉस्ट कम कर दे तो भी फिर इफेक्ट आने लग जाएगा, या टाइम स्क्वीज कर दे तो भी क्वालिटी पे इफेक्ट आएगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये तीनों कंस्ट्रेंट को सामने रखते हुए कस्टमर आपका कितना सेटिस्फाई है वो बताएगा कि वो क्वालिटी प्रोडक्ट है कि नहीं है। तो दिस इज टू व्यूज ऑफ क्वालिटी डेफिनेशन, पॉपुलर एंड टेक्निकल व्यू। अच्छा, किसी को कोई क्वेश्चंस हैं तो वो डायरेक्ट कर सकता है या नोट डाउन कर लें, एंड में डिटेल में जो है हम ये क्वेश्चंस जो है लेंगे भी। अच्छा, अब टेस्टिंग की एवोल्यूशन को देखते हैं कि टेस्टिंग किस तरीके से इवॉल्व हुई है। सबसे पहले वाटरफॉल हर कोई जो है यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ता है, और जबकि अब वाटरफॉल उस तरीके से यूज़ नहीं किए जाते हैं। तो पहले जो है टेस्टिंग मैनुअल ही होती थी, प्योर मैनुअल टेस्टिंग। देन
कुछ बल्कि ऑटोमेशन टूल्स आ गए जिन्हें कहते थे टूल बेस्ड ऑटोमेशन। उसके लिए डिफरेंट टूल्स के लाइसेंसेस लेने होते थे, जस्ट लाइक QTP है और इस तरह के बहुत सारे पास्ट में टूल्स आए और उन्हीं टूल्स के अंदर स्क्रिप्टिंग करनी होती थी और आपकी ऑटोमेशन जो है होती थी। देन उसके बाद फिर आपके ओपन सोर्स फ्रेमवर्क आए जिसमें आपका सिलीनियम भी शामिल है और सिलीनियम ने आके पूरी ऑटोमेशन इंडस्ट्री को जो है वो रेवोल्यूशनाइज कर दिया, बिल्कुल चेंज कर दिया कि एक मैनुअल और ऑटोमेशन में जंग छेड़ दी। वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे डिटेल में कि ये क्या है, मैनुअल और ऑटोमेशन की जंग क्या है, जबकि मैनुअल और ऑटोमेशन की आपस में कोई जंग होनी नहीं चाहिए। इसके रीजंस क्या हैं, सॉल्यूशन क्या है, माइंडसेट का कुछ चेंज है, वो हम अभी आगे देखेंगे। उसके बाद से अब डेवॉप्स का टाइम आ चुका है और डेवॉप्स के अंदर जो है वो CI/CD है, कंटीन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटीन्यूअस डिप्लॉयमेंट। तो इसके अंदर क्या है कि आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के जो सारे फेजेस हैं उनके बीच में डिफरेंट पॉजेज होते हैं कि पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग होगी, उसके बाद फिर एनालिसिस होगी, डिज़ाइन होगी, डेवलपमेंट होगी, वो डेवलपमेंट डिप्लॉय होगी QA एनवायरनमेंट में, QA उसे टेस्ट करेगा, टेस्ट के बाद जो है वो पुश किया जाएगा कस्टमर के लिए और वो आगे कस्टमर को रिलीज़ कर दिया जाएगा। अच्छा यहाँ रिलीज़ का वर्ड यूज़ हुआ, कोई मुझे डिफरेंस बताएगा व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन अ रिलीज एंड डिप्लॉयमेंट? रिलीज जो है वो बेसिकली वो है कि जब आपको डेव एनवायरनमेंट से टेस्ट एनवायरनमेंट में आप डालते हैं और उसके अपनी जो है चेकिंग करते हैं और फिर जो है उसको प्रोडक्शन के ऊपर आप भेजते हैं फॉर द सेक ऑफ डिप्लॉयमेंट। सो ये रिलीज है, यानी आप अपने क्लाइंट को डिलीवर करते हैं। कोई और ट्राई करेगा? एक्चुअली रिलीज होता है कि हम एक्चुअली रिलीज ये होता है कि हम जो हमारे पास एप्लीकेशन या जो सॉफ्टवेयर होता है तो हम उसको कस्टमर स्कैन पे भेज देते हैं, लाइक उसको पब्लिश कर देते हैं। ठीक है, और डिप्लॉयमेंट क्या है? अच्छा होता क्या है कि बहुत सारी छोटी छोटी टर्म्स हैं जो हमारे कॉन्सेप्ट जो है वो उस पर नोट्स बन जाते हैं, मैं ये कहता हूँ। उसका रीज़न कुछ हमारे टीचर्स भी होते हैं, कुछ हमारी खुद की भी गलती होती है कि हमारे नॉलेज सेंटर क्या है या सोर्स ऑफ नॉलेज हमारी क्या होती है। अगर आपसे कोई चीज़ पूछे आप जस्ट करेंगे गूगल और तीन चार जल्दी जल्दी राइट क्लिक करके न्यू टैब्स में ओपन करेंगे और फर्स्ट टू टैब में आपको या फर्स्ट टैब में कुछ डेफिनेशन मिल जाएगी। हम डेफिनेशन को ढूंढने की कोशिश करते हैं उस डेफिनेशन को जो कि आसान हो, जो हम समझ सकें, ना कि उस डेफिनेशन को जो कि करेक्ट हो। ये बात समझ में आ रही है? करेक्ट डेफिनेशन के लिए यू शुड रेफर टू सम सर्टिफिकेशन बॉडी, कुछ पब्लिश मटीरियल। तो आपको जो डेफिनेशन के लिए स्पेशली जो है रेफर करना चाहिए, कहीं पे वो डेफिनेशन पब्लिश हुई भी हो किसी बॉडी की तरफ से, तो वो डेफिनेशन सही होती है, बजाय इसके आप सर्च करें और किसी के ब्लॉग में से जाके वो डेफिनेशन को अपनी नॉलेज बना लें। इससे नुकसान ये होता है कि जिस बंदे ने वो डेफिनेशन लिखी है उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है। बात समझ में आ रही है? तो इसी तरीके से ये सारी डेफिनेशन जो है इंडस्ट्री के अंदर प्रोपेगेट कर जाती हैं और स्टूडेंट को लग रहा होता है, इवन एक्सपीरियंस रिसोर्स को लग रहा होता है कि उसको नॉलेज सही है और इंटरव्यू के टाइम पे वो बहुत कॉन्फिडेंस से वो आंसर करके आ रहा होता है, जबकि वो गलत आंसर कर रहा होता है। बात समझ में आ रही? और इंटरव्यू में ऐसा तो होता नहीं है कि आपको फीडबैक दिया जाए कि आपने कौन कौन से आंसर गलत दिए हैं और उसको ये चीज़ पता भी नहीं चलती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट के अंदर नोट्स बन जाते हैं, ये पूरी जो हम ग्रेजुएशन करते हुए आते हैं तो इस पर बहुत सारे नोट्स होते हैं और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन नोट्स को ओपन करना। इसमें से बहुत सारे टर्म्स हैं जो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो रिलीज़ और डिप्लॉयमेंट का फ़र्क क्या है? डिप्लॉयमेंट का मतलब यह है कि कोड को पहुंचाना। अगर टेस्ट पे डिप्लॉय कर रहे हैं तो टेस्ट तक या टेस्टिंग एनवायरनमेंट में पहुंचाना, अगर कस्टमर को दे रहे हैं तो कस्टमर तक पहुंचाना। कस्टमर तक कोड
पहुंचने का मतलब ये नहीं है कि कस्टमर उसे यूज़ भी कर सकता है, ये बात समझ में आ रही है। फीचर टॉगलिंग का अगर आप लोगों को आइडिया हो कि कस्टमर तक वो कोड को डिप्लॉय कर दिया जाता है, वंस कस्टमर जब पे करता है उन चीज़ों को तो उस कोड को रिलीज़ कर दिया जाता है कस्टमर के लिए। इसकी एग्जांपल फेसबुक की जो चैट है, ये चैट लाइव एनवायरनमेंट में टेस्ट हुई है। जब फेसबुक चैट लेकर आया था तो जिसका कोड पूरा मौजूद था वहाँ पे, और टेस्टर वहाँ पे टेस्ट करते थे लाइव एनवायरनमेंट में, लेकिन नॉर्मल जो यूज़र थे उनको वो नज़र नहीं आता था। फिर वो नॉर्मल यूज़र के लिए रिलीज़ किया गया, उनके लिए वो चीज़ इनेबल की गई। होप डिप्लॉयमेंट और रिलीज़ का फ़र्क समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम डेवऑप्स को भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आगे कि डेवऑप्स क्या चीज़ है असल में, अब फ्यूचर क्या है। अच्छा, मेरा एक सवाल था। जी हेलो, आवाज़ आ रही है, अकबर आप पूछें। जी जी, मैं पूछ रहा था कि मेरा एक सवाल था कि ये जो आपने मतलब ये जो 5 जो ब्लॉक्स बनाए हुए हैं, इसमें जो है सिलीनियम का जो मतलब अपना प्लग इन प्ले वाली जो जो चीज़ थी वो मतलब बल्कि ऑटोमेशन के अंदर आती है, या फिर जो है ये जो मोर रोबस्ट ऑटोमेशन टूल ये ओपन सोर्स के अंदर आती है? ये मैंने बताया था कि ये मतलब ओपन शुरू में तो मतलब ये चीज़ आई थी ना कि सिलीनियम आईडी आया था जो प्लग इन प्ले था। बिल्कुल, सिलीनियम जो है एक सोइट है पूरा, और मैं बात कर रहा हूँ सिलीनियम वेब ड्राइवर की, और सिलीनियम आईडी स्टिल एग्जिस्ट करता है, अभी भी उसके नए वर्जन आ रहे हैं, लेकिन जो चीज़ इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ की जा रही है वो है सिलीनियम वेब ड्राइवर। ठीक है, हम देखेंगे इसको आगे, अभी कुछ स्लाइड्स हैं कि ऑटोमेशन जो हैं वो कितनी टाइप की हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो सिलीनियम का मेन जो रोल स्टार्ट हुआ है वो ये 2000 से लेकर 2010 के दरमियान वाला एरा जो है यहाँ पे, जो ओपन सोर्स फ्रेमवर्क आए उसके बाद से सिलीनियम अब तक यूज़ हो रही है। इसका मतलब ये नहीं है सिलीनियम ख़त्म हो गया, सिलीनियम जो है वो हर नई चीज़ अडॉप्ट करके जो है अपने अंदर वो उसने सर्वाइव किया हुआ है। बहुत सारे डिफरेंट और फ्रेमवर्क्स आए हैं जो सिलीनियम के अंदर लिमिटेशंस ही उसको ओवरकम करने के लिए, वो भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह टाइम मिले तो। तो ये एवोल्यूशन है टेस्टिंग की, और टेस्टिंग मैनुअल से लेके ऑटोमेशन तक। फ्यूचर जो है, क्योंकि फ्यूचर जो है वो डेटा साइंस है, फ्यूचर जो है आपका ऑटोमेशन है, तो फ्यूचर सिर्फ अब यही है। तो इसको समझाने के लिए जो है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। आप इन्वेस्ट कैसे करेंगे, आइदर टाइम दें या पैसे फेंक दें। जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं वो डिफरेंट सर्टिफिकेशंस करते हैं, वो ख़ुद पे इन्वेस्ट करते हैं, वो 50,000, 40,000, 20,000, 60,000 इन्वेस्ट कर करके वो सर्टिफिकेशंस कर रहे होते हैं और डिफरेंट उससे कर रहे होते हैं, लेकिन स्टूडेंट जो है वो इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकता ऑब्वियसली। तो स्टूडेंट की इन्वेस्टमेंट कहाँ है, तो स्टूडेंट को चाहिए अपना टाइम इन्वेस्ट करें। उसके लिए उसको क्या करना चाहिए, आइडेंटिफाई एक्टिविटीज़ डेट गिव्स नो वैल्यूज़। हर स्टूडेंट को या फ्रेश जो कैंडिडेट है, रिसोर्स है, स्टूडेंट है, उनको ये चाहिए कि वो अपनी लाइफ स्टाइल में से वो सारी एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करें जो वैल्यू डिलीवर नहीं कर रही है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि वैल्यू का मतलब क्या है, वैल्यू का मतलब ये है कि वो चीज़ें जो टेक्निकली उसको फ़ायदा नहीं पहुँचा रही, और कोशिश करें कि उन एक्टिविटीज़ को या तो ख़त्म कर लें या रिड्यूस कर लें जो उसको वैल्यू नहीं पहुंचा रही है। ये बात समझ में आई? अच्छा, सबसे ज़्यादा एक्टिव जो है वो ये एक ही बंदा है, बाकी बंदे सो रहे हैं, क्योंकि भाई मैं टीचर भी हूं तो मैं टीचिंग स्टाइल में ही लेके चलता हूं अपने सेशंस को, और मैं चाहता हूं कि इंटरेक्शन जितना ज़्यादा हो, इंटरेक्टिव सेशन जितना होगा उतना सीखने को मिलता है। तो किसी किसी के जहन में अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वो क्लियर करें। आवाज़ ब्रेक हो रही है मेरी, ये माइक इतने सारे माइक खुले हुए ना, इससे भी फर्क होता है। या तो माइक म्यूट करके रखें और नीड बेसिस माइक जो है वो ऑन कर लें अपना। दैट इज द बेस्ट। एक्चुअली सर वो क्लियर है कि जब हम माइक म्यूट कर देते हैं ना, तो फिर हमें दोबारा ऑर्गेनाइजर की जो है ऑथराइजेशन चाहिए होती है अनम्यूट करने के लिए। तो इसमें वो ऑप्शन नहीं आ रहा है रेज हैंड का?
हैंड रेज कर लो जो रेज हैंड का ऑप्शन है, तो किसी को अगर कोई आंसर करना है वो रेज हैंड कर दे, मैं उसको जो है या जो एडमिन है वो उसे अनम्यूट कर देगा। मेरा मेरा ये इस स्लाइड से एक सवाल है जी, कि आपने लिखा है कि इन्वेस्ट इन योरसेल्फ टू टाइम और मनी, लेकिन इसमें एक बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है आपका इंटरेस्ट। मतलब सबसे बड़ी चीज तो ये ना कि मतलब आप मतलब क्यूए में काम कर रहे हैं लेकिन आपको शौक जो है वो डेवलपमेंट का, आपको शौक जो है वो यूआई का है, सही, आपको यूआई डेवलपमेंट का शौक है या आपको शौक डेटाबेस का। तो मेरे नजर में जब आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप सर्टिफिकेशन की तरफ भी नहीं जाओगे, आपको जो है ऑटोमेशन की तरफ भी नहीं जाओगे, सही है। आप बस ये कि ऑफिस आ रहे हैं, मतलब जैसे आप मतलब यानी किसी किसी बैंक में नौकरी कर रहे हैं और आ रहे हैं और जा रहे हैं। मतलब मेरे ख्याल में सबसे बड़ी चीज़ इन्वेस्टमेंट ऑफ योर इंटरेस्ट है, कि आपको इंटरेस्ट अपना जो है वो मतलब इन्वेस्ट करना है। अगर आपने सीखना है, आपने लर्निंग करनी है, आपने इसमें आगे जाना है, तो इसमें आप क्या बोलेंगे सर? ठीक है, ये वैसे ये स्लाइड जनरल है, ये क्यूए के लिए नहीं थी, ये एक जनरल है कि किसी भी फील्ड में आप हैं तो उस फील्ड पे अगर आपको लीड करना है, लीडिंग पोजीशन पे आना है, तो आपको टाइम या पैसे जो है इन्वेस्ट करने होंगे, डेट्स फॉर श्योर। ठीक है, इंटरेस्ट वाली बात बिल्कुल ठीक है, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो आप यहाँ तक भी नहीं पहुँच सकते, वो बिल्कुल वैलिड है, लेकिन इंटरेस्ट पैदा करने के लिए आपको ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो काम जो आप फ्री में करते हैं उसकी इतनी वर्थ नहीं होती है जितना आप पैसा फेंक के करते हैं। ये एक ह्यूमन साइकी है, ये सिर्फ पाकिस्तान की साइकी नहीं, ह्यूमन साइकी है, कि जब आपसे जिन चीज़ों के लिए जो है वो मैं चार्ज करूँगा तो फिर आप वो बड़े दिलो जान से वो काम करेंगे, तो अल्टीमेटली बात जाके गिरती यहाँ पे। तो ये सिर्फ समझाने के लिए है कि ये ज़रूरी है कि आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, क्योंकि मैं काफ़ी तकरीबन मुझे 5 साल हो रहे हैं टीचिंग में भी, मैं इंडस्ट्री में भी हूँ और मैं पढ़ा भी रहा हूँ, तो मैं बहुत करीब से स्टूडेंट को देखता हूँ और मैं इंडस्ट्री के लोगों को ही बहुत करीब से देख रहा हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट मुझे 13 ईयर्स अब होने वाले हैं इंडस्ट्री के अंदर। क्वालिटी में मैं ऑटोमेशन से लेके सब जो डेजिग्नेशन हो सकती है क्वालिटी से रिलेटेड सब जो है मैंने इन्जॉय किया है, तो मैं बहुत चीज़ें करीब से मैंने देखी हैं। ये होता क्या है, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटीज़ जो है डिफ़ॉल्ट में डेवलपर प्रोड्यूस करने की कोशिश करती हैं, वो स्टूडेंट जो डेवलपर नहीं बन पाते हैं वो मजबूरन आते हैं क्यूए की तरफ। अगर वो काम जो आप मजबूरन करते हैं उसमें आप आगे नहीं बढ़ सकते, तो आगे बढ़ने के लिए आपको इंटरेस्ट पैदा करना ज़रूरी है। डेवलपमेंट लोगों को मुश्किल लगती है, जबकि मेरे नज़दीक मुश्किल की डेफिनेशन ये है कि वो काम जो आप से नहीं हो पा रहा है मीन्स आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो मुश्किल वो चीज़ है जो आप नहीं कर रहे हैं, आपको इंटरेस्ट नहीं है, जब वो आपको आ जाएगा तो आपके लिए वो आसान है। क्लियर है ये चीज़? तो मुश्किल और आसान की डेफिनेशन ये है, तो आप कोशिश करें और इंटरेस्ट पैदा करने की कोशिश करें, तो उसके लिए भी सलूशन मैं आगे बता रहा हूँ। एक ये स्लाइड है, ये हमेशा याद रखना, और चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये मैं अपने स्टूडेंट को हमेशा समझाता हूँ कि इस ग्राफ में ये जो बार उठा है इसका मतलब ये है कि कोई एक नई टेक्नोलॉजी, कोई फ्रेमवर्क, कोई टूल आया है और वो बहुत तेज़ी से इंडस्ट्री को कैप्चर कर रहा है। अगर इस टाइम पे आपने उस टूल्स पे हैंड्स ऑन कर लिया है, जो भी टूल हो, कोई भी फ्रेमवर्क हो, कोई भी टेक्नोलॉजी हो, तो आपको वो बेनिफिट मिलेगा। इस वक्त बहुत सारे लोग होंगे जो यूँ चल रहे होंगे, उन्हें कुछ नहीं पता है। ये वो लोग हैं जो जस्ट पानी की तरह बह रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर, जो अपने ऊपर टाइम नहीं लगा रहे हैं। लेकिन जिसने ये चीज़ आइडेंटिफाई कर ली, जैसे अगर मैं अभी बैठ के आइडेंटिफाई करूँ कि फ्यूचर क्या है डेवलपमेंट का, क्यूए का फ्यूचर क्या है, अगर मैं सिर्फ क्यूए की बात करूँ तो क्यूए का फ्यूचर क्या है, मैं अगर आगे का सोच लूँ और मैं उस पर हैंड्स ऑन कर लूँ, तो मैं उन लिमिटेड लोगों में से होऊंगा जिन्होंने वो काम किया होगा। जैसे मैं एग्जांपल दूँ तो मैंने ऑटोमेशन आज से तकरीबन 9 या 10 साल पहले मैंने करी, उस वक्त इंडस्ट्री के अंदर लिमिटेड लोग थे जिनको ऑटोमेशन आती थी। तो इसका मतलब क्या है कि मैंने उस वक्त, मैं इस जगह पे था, मैंने बेनिफिट उठाया उस चीज़ का, जबकि सारे लोग जो है अपने मैनुअल में ही लगे हुए थे। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो चीज़ मैंडेटरी हो जाती है। जब वो मैंडेटरी हो जाती है तो उस वक्त आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये बात समझ में आ रही है?
कि जब कोई नई चीज़ आती है और वो इंडस्ट्री में पेनिट्रेट कर रही है और आपने उस वक्त उस पर हैंड्स ऑन कर लिया और काम स्टार्ट कर दिया तो आपको बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट मतलब ये है कि आप जो हैं वो उन चंद लोगों में शुमार होंगे जो उसका फ़ायदा उठा रहे होंगे। आयदर जो है वो उस पर नाम भी हो सकता है आपका, उसमें जो है वो फाइनेंशियल भी चीज़ें शामिल हो सकती हैं। एक टाइम आएगा कि वो चीज़ मैंडेटरी हो जाएगी, कि वो करना मस्ट होगा, वो एंट्री क्राइटेरिया बन जाएगा। जस्ट लाइक अब ऑटोमेशन जो है वो अब एंट्री क्राइटेरिया बनना शुरू हो चुका है कि ऑटोमेशन के बगैर बहुत मुश्किल हो रही है लोगों को इंडस्ट्री के अंदर अच्छी जॉब के लिए। उसके बाद जब ये चीज़ मैंडेटरी होगी, इसका मतलब ये है कि कोई और नई चीज़ आई है। ये बात समझ में आ रही है कि जब आपकी कोई पुरानी चीज़ मैंडेटरी हो गई, एंट्री क्राइटेरिया बन गया, इसका मतलब ये है कि देयर इज़ समथिंग न्यू, आपको उसको पकड़ने की ज़रूरत है। तो अगर मैं यहाँ से बैठ के इसको फोर्सी कर लूँ तो मुझे बेनिफिट डबल मिलेगा। फिर एक टाइम आएगा कि ये भी मैंडेटरी हो जाएगी और मुझे उस वक्त बेनिफिट नहीं मिलेगा, उस वक्त मज़ीद कोई नई चीज़ आ रही होगी। तो अगर कोई बंदा इतने दूर से बैठा हुआ इसको फोर्सी कर ले और इस पे काम करने की कोशिश कर ले तो वो इस टाइम पे इतना बेनिफिट उठाएगा कि आपकी सोचें, वरना आप वो सारे काम करेंगे और आपको बहुत मिनिमम या ना होने के बराबर जो है वो बेनिफिट उसका मिल रहा होगा। ये ग्राफ समझ में आया? ये बहुत इम्पोर्टेंट ग्राफ है और अगर किसी को ये बात समझ में आ गई है तो आगे जो है वो पिछले वाली स्लाइड्स को इसको रेफरेंस बनाएं और चीज़ें फोर्सी करें। अब मैं अगर बताऊं कि अगर मैं कोई क्यूए में अपना करियर बनाना चाह रहा है और वो चाह रहा है कि मैं मैनुअल टेस्टिंग ही करूं तो वो हिमाकत कर रहा है, वो यहाँ पे सोच रहा है। अगर वो ऑटोमेशन पे हाथ साफ करता है तो वो यहाँ पे सोच रहा है। अगर वो फुली ऑटोमेटेड की बात कर रहा है जिसमें डेवऑप्स शामिल हैं और एआई बेस्ड ऑटोमेशन शामिल हैं तो वो यहाँ का सोच रहा है। अभी हमारी इंडस्ट्री समाओ यहाँ पर है, बाहर की इंडस्ट्री तो यहाँ पहुँच चुकी है लेकिन पाकिस्तानी इंडस्ट्री अभी यहाँ पर है। अगर हम यहाँ पे रहते हुए इन चीज़ों पे काम करते रहें पैरेलल में तो एक टाइम आएगा जब वो इंडस्ट्री में फैलने लगी की चीज़ें तो आप लीड कर रहे होंगे। उस वक्त जब रिसोर्सेज ढूंढी जा रही होंगी तो आप होंगे सिर्फ लिमिटेड उन लोगों में जिन्होंने वो काम किया हुआ होगा। कोई क्वेश्चन किसी का? जस्ट लाइक एक हम्माद ने क्वेश्चन किया था कि वो जॉब तो कर रहा है लेकिन इसमें मैनुअल जॉब हो रही है, ऑटोमेशन मूव होना चाह रहा है। हाँ तो इसमें ये है कि आपको स्टेप बाय स्टेप जाना जरूरी है या आप मतलब फौरन ही मतलब टॉप पे जा सकते हैं कि अभी इंडस्ट्री यहाँ पर है, आप इसको बाईपास करें, आप डायरेक्ट जो है एआई बेस वाली चीज़ों पे काम करना शुरू कर दें। आप देखना शुरू करें क्या रिसर्च हो रही है, क्या चीज़ें आ रही हैं, ये तो आपके ऊपर है। तो अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि हम सीखें कैसे ये सारी चीज़ें। तो अगेन आप इन्वेस्ट करें टाइम, यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स मौजूद हैं, आप टाइम लगाएं कि एंटरटेनमेंट के लिए। तो मूवीज़ के लिए तो हम पूरे 3 घंटे 3.5 घंटे हमारे पास होते हैं लेकिन कभी किसी टेक्निकल उसके लिए हम बैठ के 3 घंटे का सेशन देखते हैं कि उसमें क्या समझाया है, वो 3 घंटे आगे आपको कितना बेनिफिट दे सकते हैं वो उसकी फिगर नहीं है। तो होप ये स्लाइड और जो पीछे टाइम वाली स्लाइड थी वो समझ में आ गई होगी। हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी सी जो है वो मिक्स मैंने यहाँ पर ऐड कर दी हैं। इसका सलूशन क्या है भाई? इसका सलूशन यह है कि आप डिफरेंट टेक्निकल बॉडीज़ के साथ जो हैं वो कनेक्ट हों, जिसमें पाकिस्तान एजाइल एजुकेशन है, यहाँ से आपको एजाइल की लर्निंग मिलेगी। पौडा अलायंस बहुत ज़्यादा काम कर रहा है स्टूडेंट लेवल पे, टीचर्स लेवल पे जाके जो ये गैप है एक इंडस्ट्री और अकेडमिया का, इससे दूर करने के लिए कि बहुत ज़्यादा एफर्ट है पौडा अलायंस की। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर टेस्टर सोसाइटी, आप यहाँ एसोसिएट हों, लोगों से मिलें। आई एम वन ऑफ फाउंडिंग मेम्बर ऑफ पाकिस्तान सॉफ्टवेयर टेस्टर सोसाइटी, तो आप मुझसे कर सकते हैं, मेरे अलावा 3 लोग और हैं। आप कनेक्ट हों लोगों के साथ, आप लिंक्डइन को यूज़ करके कनेक्ट हों, वहाँ पे आप क्वेश्चन पूछें, लोग आंसर करेंगे। इसके अलावा भी इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे लोग हैं, आपको पता होना चाहिए कि कौन से लोग हैं, वो कौन से इवेंट्स होते हैं जहाँ पर ये लोग आते हैं, जहाँ पर आप इनको सुन सकते हैं, आप इनसे बातचीत कर सकते हैं, जो आपको गाइड कर सकते हैं आगे, आपको डिफरेंट चीज़ों में बेनिफिट भी मिलेगा। इसके लिए मैं ये कहता हूँ कि चूज़ योर मेंटोर, आपको अपना एक मेंटोर चुनना ज़रूरी है। आप इस तरीके से
कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया, उससे टारगेटेड चीज़ अचीव नहीं कर सकते। उसके लिए आपको किसी एक को फॉलो करना ज़रूरी है, आप उसको पकड़ के रखें, वो चाहे आपको अपना स्टूडेंट ना बनाए लेकिन आप उसको अपना मेंटोर माने, आप उसको फॉलो करें। और यहाँ कुछ लोग हैं, मैं उनको जानता हूँ, जो इस तरह से करते हैं, वो फॉलो कर रहे हैं, अपने डिसीजंस में जो है वो शामिल रहते हैं। मतलब मेरे पास बहुत ज़्यादा कॉल्स आती है मेरे स्टूडेंट की, इसके अलावा भी और बहुत सारे लोगों की, जब वो स्विच कर रहे होते हैं कि क्या करना चाहिए, या बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल डिसीजंस के वक्त जो है वो कंसल्ट करते हैं। तो इन कंसल्टेंसी से फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि जो एक्सपीरियंस रिसोर्स है वो अपनी नॉलेज, जो अपना एक्सपीरियंस था वो शेयर करता है कि ऐसे क्रिटिकल टाइम में क्या डिसीजन बेहतर रहेगा। ठीक है, सो अब थोड़ा सा हम इंटरव्यूज़ पे आते हैं, फिर हम इनके सलूशन की तरफ जाएंगे कि इंटरव्यूज़ में जो इंटरव्यू लेने वाले हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं, और इंटरव्यू देने वाले की एक्सपेक्टेशन आप लोग बताएंगे मुझे। ठीक है, तो फिर हम इनके सलूशन पे जाएंगे कि टेस्टिंग, क्यूए क्या है, और ये सब चीज़ें जो इंटरव्यूज में पूछी जाती हैं। तो इंटरव्यू लेते हुए एक्सपेक्टेशन ये होती है कि जो कैंडिडेट मेरे सामने बैठा है, ही शुड हैव नॉलेज ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेसेस। उसको पूरी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस का अच्छे से पता होना ज़रूरी है। इसको आप SDLC भी कह सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी कह सकते हैं। उसको डेटाबेस की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, अब ये चीज़ें वेरी करती हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में डेटाबेस पे बहुत ज़्यादा काम होता है तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जो कैंडिडेट सामने मौजूद हैं या जिसको उन्होंने हायर करना है उसके पास डेटाबेस की नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। बहुत अच्छी नॉलेज, अगर मैं QA के डोमेन में बात करूँ तो आपको रिलेशनशिप का पता होना ज़रूरी है कि डेटाबेस के अंदर जो है रिलेशंस जो हैं वो किस तरीके से बनते हैं, क्या होते हैं। आपको फंक्शंस वाली क्यूरीज का पता होना चाहिए कि अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे थर्ड हाईएस्ट जो है वो सैलरी ला के दे दो किसी एम्प्लॉय की, एम्प्लॉय सैलरी की टेबल से, तो वो किस तरीके से आएगा। या आपको जॉइंस का पता होना ज़रूरी है कि जॉइंस की कितनी टाइप्स हैं और रीज़न क्या है उनके, मतलब कि मल्टीपल जॉइंस एग्जिस्ट क्यों करते हैं, जॉइंस लगाते क्यों हैं, मतलब उनका पर्पस क्या है, और ये डिफरेंट टाइप्स एग्जिस्ट क्यों करते हैं, और किस टाइम पे कौन सा जॉइन यूज़ होता है। प्रैक्टिकल जो है वो टेबल बना के पूछा जाता है ज़्यादातर जगहों पे कि आप जॉइन लगा के दिखाएं, क्योंकि ज़्यादातर डेटाबेस लेवल टेस्टिंग में जॉइंस लगा के टेस्टिंग होती है। ठीक है, इसके अलावा इंडेक्सिंग क्या होती है, स्टोर्ड प्रोसीजर्स क्या होते हैं, स्टोर्ड प्रोसीजर कैसे लिखे जाते हैं, ये नॉलेज हो तो बहुत अच्छी बात है। नॉर्मली स्टोर प्रोसीजर होते क्या हैं इसकी नॉलेज होनी चाहिए। फिर आपको प्रोग्रामिंग की नॉलेज होनी चाहिए, प्रोग्रामिंग की इतनी नॉलेज जितनी ऑटोमेशन में नीड है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप बिल्कुल कोई चीते किस्म के रिसोर्स हों तो फिर आप QA की तरफ आएंगे नहीं, आप डेवलपमेंट में जाएंगे। वैसे इंडस्ट्री के अंदर मैं जो है वो डेवलपर किलर के नाम से मशहूर हूँ, मैं बहुत सारे डेवलपर्स को कन्वर्ट करवा देता हूँ ऑटोमेशन की तरफ। रीज़न क्या है? रीज़न ये कि भाई फ्यूचर जो है, या आज की डेट में लिख लो कि फ्यूचर जो है वो QA का ज़्यादा ब्राइट है डेवलपमेंट से। और रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि मॉड्यूलर डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी है। ये तकरीबन 8-9 साल पहले मेरे एक टीचर ने ये बात बताई थी कि 4 से 5 साल बाद मॉड्यूलर डेवलपमेंट आएगी, उसके बाद से जो डेवलपमेंट है कोर डेवलपमेंट वो मिनिमम होना शुरू हो जाएगी और ज़्यादातर काम जो है लॉजिक का सिर्फ रह जाएगा। अगर हम आजकल देखें तो कुछ हमें ऐसा ही नज़र आ रहा है, तो अगर हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें और चेंज होती हुई नज़र आएंगी। मेरी एक और प्रिडिक्शन ये है कि थोड़े टाइम बाद हर वो काम जो डिसीजन लेने वाला है वो ख़त्म हो जाएगा। जस्ट लाइक डॉक्टर, डॉक्टर का काम डिसीजन लेना है, डॉक्टर ख़त्म हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें AI रिप्लेस कर जाएगी इन सारी चीज़ों को, और ये रिप्लेसमेंट होना शुरू हो चुका है ऑलरेडी। थोड़ा जाके आप रिसर्च करें तो आपको नज़र आएगा डिफरेंट कॉम्पिटिशन होते हैं रोबोट के और रियल डॉक्टर के, और वहाँ पे जो है क्या नाम है, जो सक्सेस रेट आ रहा है किसका ज़्यादा आ रहा है। तो पॉइंट यही है कि आप थोड़ा टाइम तो लगाएं। इस टाइम लगाने में ये भी शामिल है, मैं ये कहता हूँ कि भाई आप थोड़ा लिखना और पढ़ना शुरू करें, कि आप डेली बेस पे एक सेट करें कि मैं लेट सपोज 10 लाइंस जो है मुझे लिखना चाहिए, वो लिखना क्या है वो हम डिस्कस करते हैं, या मुझे 20 लाइंस रीड करना चाहिए। वो 20 लाइंस कोई ब्लॉग हो सकता है, कोई न्यू इनोवेटिव चीज़ हो सकती है जो आप रीड करें, कोई रिसर्च पेपर हो सकता है जो आप रीड करें, या कोई लर्निंग कोई वीडियो हो सकती है जो आप देखें 20 मिनट्स की।
10 लाइंस आप लिखें, 10 लाइंस लिखने का मतलब क्या है कि आज आप सेशन ले रहे हैं तो यहाँ कुछ तो काम के बाद आपको मिलेगी छोटी सी भी, तो वो आप कहीं जाके लिखें, लिखना शुरू करें, क्योंकि आप जो लिखेंगे आपको लग रहा होगा कि ये बहुत मामूली सी चीज़ है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको वो नहीं पता है, उनके लिए वो काम की इन्फॉर्मेशन है, फिर कल को वो लिखेंगे, तो ये पूरी चेन है। इंडियन इंडस्ट्री हमसे आगे इसीलिए है कि वो लिखते हैं, हम इंटरनेट से जो सोल्यूशन ढूंढते हैं तो सोल्यूशन में नाम क्या लिखा हुआ रहा होता है, कोई कार्तिक कोई इस तरह के नाम ही लिखे हुए आ रहे होते हैं, तो रीज़न क्या है कि इंडियंस जो हैं काउंट में ज़्यादा हैं हमसे बेशक, लेकिन वो लिखते हैं, हम लिखते नहीं हैं, ये सोचते हुए कि ये कोई मामूली सी चीज़ है। तो लिखना शुरू करें, कहीं पे आपको कोई काम की बात समझ में आती है, छोटी सी हो कोई बात, कोई एक डेफिनेशन हो, वो डेफिनेशन को जाके आप लिखें, भले आप रेफरेंस देते हैं वो डेफिनेशन कहाँ की है, किसी को डिफरेंट फॉरम्स पे जाके सोल्यूशन देना शुरू करें। सोल्यूशन बहुत बेसिक लेवल से लेके बहुत एडवांस लेवल तक लोगों को चाहिए होते हैं, तो आपकी वो लिखी हुई लाइन किसी के लिए जो है काम आ सकती है। खैर, तो हम एक्सपेक्टेशन या इंटरव्यूज़ को डिस्कस कर रहे थे, ये स्पेशली फ्रेश के लिए हैं, या जो स्टूडेंट जो अभी इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं कि वो इन सब चीज़ों को प्रिपेयर करें। क्यूए का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर रोल क्या है, एजाइल स्क्रम क्या है, पहले ये सब चीज़ें यूनिवर्सिटीज़ में नहीं पढ़ाई जाती थी, लेकिन अब पढ़ाई जा रही है, तो अब एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा है। अब एक मसला क्या है, एक मसला ये है कि हर किसी ने टेस्टिंग की हर चीज़ को टाइप बना दिया है, कि अगर मैं पूछता हूँ यूनिट टेस्टिंग क्या है तो कहते हैं ये टाइप है, रेग्रेशन क्या है तो ये टाइप है, मतलब हर वो चीज़ जिसके आगे टेस्टिंग लगी हुई तो वो टाइप हो गई, जबकि ऐसा नहीं है। टेस्टिंग की कुछ लेवल्स हैं, उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स हैं, और हम कुछ डिफरेंट अप्रोचेस के साथ टेस्टिंग कर सकते हैं, यह हम डिटेल में देखेंगे आगे। फिर आपके पास प्रैक्टिकल टेस्टिंग की नॉलेज होना ज़रूरी है। अब यहाँ पर सवाल आता है कि हमें तो जॉब ही नहीं करी तो हम कैसे प्रैक्टिकल नॉलेज करें, तो ये टेस्टिंग एक स्किल का नाम है, आपको क्रिटिक बनना पड़ता है। हम टेस्टिंग करते हैं अपनी लाइफ में, अगर कोई सेकेंड हैंड मोबाइल परचेस करने जाता है तो क्या आँख बंद करके परचेस कर लेता है वो मोबाइल? नहीं करता, वो क्या करता है, वो उसके बेसिक फीचर को रन करके देख रहा होता है, तो टेस्ट कर रहा है वो असल में, बात समझ में आई? तो हम टेस्टिंग अपनी नॉर्मल लाइफ में कर रहे हैं, हमें पता नहीं है कि हम टेस्टिंग कर रहे हैं, तो अगर हम उसे रिलेट करना शुरू कर दें अपने नॉर्मल लाइफ में तो फिर समझ में आएगा कि हम टेस्टिंग कर रहे हैं। जब हम रिलेट करेंगे तो हमारा ब्रेन जो है ट्रेंड होगा इस चीज़ के लिए, कि हमें पता होगा कि हम टेस्ट कर रहे हैं। देन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो रिसोर्स हम हायर करें वो शार्प हो, सेल्फ लर्नर हो। मेरे लिए इस चीज़ की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है सेल्फ लर्नर की। अगर एक रिसोर्स भले वो 10 साल का है, उसने अपना 10 साल का कैरियर और 4 साल यूनिवर्सिटी, 14 ईयर्स में ख़ुद से कोई टूल नहीं सीखा, तो मेरे लिए वो यूज़लेस है। मेरे लिए उससे बेहतर वो 2 साल वाला रिसोर्स हो सकती है या फिर फ्रेश हो सकती है जिसने खुद से मल्टीपल टूल्स को सीख लिया। अब आगे सेल्फ लर्नर होना बहुत ज़रूरी है, मैं उसी के लिए प्रोवोक कर रहा हूँ तुम लोगों को कि लोगों को फॉलो करो, इंटरनेट पर जाओ, यूट्यूब के चैनल्स हैं बहुत सारे और चीज़ें हैं, QA टूल्स करके मौजूद है, लिंक्स वगैरह मैं शेयर कर दूंगा सेपरेटली, तो वहाँ जाके तुम देख सकते हो चीज़ें सारी अवेलेबल हैं। पॉइंट है टाइम लगाना और सही डायरेक्शन में लगाना। सही डायरेक्शन के लिए यू हैव टू चूज़ अ मेंटोर जो तुम्हें गाइड करे कि भाई अब तुम्हें क्या करना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से टूल्स अवेलेबल हैं जिस पे आपको काम आना चाहिए और किस लेवल का आना चाहिए। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको बहुत डिटेल लेवल का काम आना चाहिए, आपको बेसिक लेवल का इतना काम आना चाहिए कि जब आपको ज़रूरत हो तो आप वो कर सकें। हर कैटेगरी में कोई एक टूल पे आपको काम आना चाहिए। वो कैटेगरीज़ क्या हैं, जस्ट लाइक के बग ट्रैकिंग टूल। बग ट्रैकिंग टूल एक ऐसा टूल है जिसके अंदर जो हम बग निकालते हैं, कोई डिफेक्ट निकालते हैं, कोई इशू निकालते हैं, उसको एंटर करते हैं, उसकी पूरी लाइफ साइकिल चलती है कि बग एंटर हुआ, एंटर होने के बाद वो डेवलपर को असाइन हुआ, डेवलपर ने उसे फिक्स किया, क्यूए ने उसे टेस्ट किया और उसे क्लोज कर दिया। ये पूरी एक लाइफ साइकिल है जिसे कहते हैं कि बग लाइफ साइकिल। तो इसके लिए डिफरेंट टूल यूज़ होते हैं। अब बहुत सारे टूल्स हैं, आप कोई एक टूल भी अगर कर लें तो
तो बाकी सारे टूल जो है वो बिल्कुल वैसे ही हैं। यहाँ पे नीड होती है शार्पनेस की, सेल्फ लर्नर एबिलिटी की और कॉन्फिडेंस की, कि आपने एक टूल कर लिया है तो आप इंटरव्यू में उसको संभालें कि आप कर सकते हैं। वहाँ पे भी वही सारी चीज़ें हैं, थोड़ी सी चीज़ें आगे पीछे हैं। या दूसरा तरीका ये होता है कि आप नेट पे जाके जस्ट 5 मिनट की वीडियोस देख लें, आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी कि अगर आप ये सर्च करें हाउ टू रिपोर्ट अ बग और आप टूल का नाम लिख दें तो आपके सामने वीडियोज़ आ जाएंगी। आप कोई शॉर्ट वीडियो उठा के देख लें 5 मिनट्स की कि बग कैसे रिपोर्ट किया जाता है। उसके लिए आप गाइडेंस ले लें 5 मिनट की किसी सीनियर से, किसी एक्सपीरियंस वाले से, आप कॉल पे ले लें उसे और उसे उससे समझ लें ये चीज़ें। कोई अपने रियल एनवायरनमेंट की चीज़ें शेयर नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ पे थोड़े से इश्यूज़ होते हैं प्राइवेसी के, तो लेकिन आपको वो गाइड बहुत अच्छे से कर सकता है। इंडस्ट्री के अंदर जितने सीनियर्स हैं ये बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं, तो कोशिश करें कि किसी भी सीनियर को, चाहे वो आपका कज़न हो, चाहे वो आपका टीचर हो, चाहे किसी भी रेफरेंस से आप उससे कनेक्टिविटी आपकी बन रही है, आप उससे उसको पकड़ के रखें, उसको छोड़ें नहीं। क्योंकि ऑब्वियसली प्यासा कुएं की तरफ जाता है, कुआं चल के प्यासे की तरफ नहीं आता है, लेकिन कुएं के अंदर पानी जो है भरपूर मौजूद है। जब भी आप पानी निकालने की कोशिश करेंगे वो आपको पानी मिलेगा हमेशा, ठीक है। देन प्रोएक्टिव, प्रोएक्टिव का मतलब ये होता है कि आप बढ़ के वो काम करें। कि अगर कोई मुझसे सीखने के लिए आता है, लेट्स सपोज उससे मैं 2 चीज़ सिखाऊँ और वो मुझे 3 चीज़ मज़ीद सीख के आगे बताता है कि भाई ये मैं पहले से करके रखा हुआ, ये देखें, तो फिर ऐसे लोगों को सिखाने का ही मज़ा आता है। अच्छा, इंटरव्यू के दौरान जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हर रिसोर्स जो है उसको टीम प्लेयर होना ज़रूरी है और वो इंडिपेंडेंट भी उसको काम दे तो वो भी वो कर सकता हो। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग, इवन एक्सपीरियंस लोग जो हैं, इस पे रिजेक्ट होते हैं। बहुत सारे रीजंस है रिजेक्शन का। टेक्निकली फ़िट होना हमेशा ज़रूरी नहीं होता है कि आपकी जॉब हो जाएगी, टेक्निकली फ़िट होने के बावजूद। और बहुत सारे जो नॉन टेक्निकल या सॉफ्ट स्किल्स होती हैं जिसकी वजह से भी जो रिजेक्शन होती हैं, जैसे इंटरनेट पे वीडियोस देखी होगी कि एक बंदा आया और यो बन के गले में चेन डाल के और जो है उन्होंने इंटरव्यू लेने वाले को सही से तबीयत से उन्होंने वो आंसर्स दिए उल्टे सीधे और उनकी जॉब भी हो गई। तो ऐसे वीडियो से इंस्पायर नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकल में आपको प्रॉपर जो है फॉर्मल ड्रेसिंग से जाना चाहिए। सॉफ्टवेयर हाउसेज में फॉर्मल ड्रेसिंग जो है वो कोट सूट वगैरह नहीं होती हैं, नॉर्मली जीन्स और शर्ट होती हैं, लेकिन जो है आपको इंटरव्यू के टाइम पे वेल ड्रेस्ड होके जाना चाहिए, इससे आपकी पर्सनालिटी का अंदाज़ा होता है। अच्छा, फिर है पॉजिटिव थिंकर। इसमें एक क्वेश्चन था, जो पॉइंट आपने लिखा है शार्पनेस, हाँ, तो कोई भी बंदा अपने अंदर ये चीज कैसे मतलब नहीं कर सकता दरिया, मेरे सामने वो रिसोर्स बैठी हुई है, मैं उससे कहता हूँ इस रूम के अंदर मुझे कोई 10 डिफेक्ट्स निकाल के बता दो 15 सेकंड के अंदर। तो वो बंदा मेरी तरफ ही देख रहा है, मेरे ऊपर देख रहा है, मेरे साइड पे देख रहा है। एक दूसरा बंदा है, वो जैसे ही मैंने उससे सवाल किया उसने मुझे देखा ही नहीं, उसने पहले पलट के पीछे देखा, उसने पूरे रूम को एक्सप्लोर किया। ये वही बंदा था जो रूम के अंदर आने के बाद पहले उसने पूरे रूम को बहुत क्लोजली वॉच किया। बात समझ में आ रही है? तो ये वो चीज़ें हैं कुछ आपकी, वो बिल्ट इन आपके अंदर होती हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से भी हो जाती हैं। IQ जो है वो प्रैक्टिस करने से इंक्रीज़ होता है, लेकिन जो डिफ़ॉल्ट में कुछ लोग होते हैं वो कुदरती तौर पे वो होते हैं, उनके IQ जो है वो हाई होता है। तो इंटरव्यूज़ के अंदर डिफरेंट IQ क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि नॉर्मली एक मेरा क्वेश्चन इंटरव्यू में अक्सर मैं पूछ लेता हूँ कि एक क्लोज रूम के अंदर इंटरव्यू हो रहा होता है, तो मैं अगर ये पूछूं कि मुझे रूम के अंदर डिफरेंट लाइट्स के कम्बिनेशन है और बाहर डिफरेंट स्विचेज़ हैं वो कम्बिनेशन बताओ विदाउट देखे हुए, कैसे मैं फाइंड कर सकता हूँ, ये एक डिटेल क्वेश्चन है, मैं डिटेल में नहीं बता रहा अभी एक समझाने के लिए। तो वहाँ पे ये पर्पज़ ये होता है इस क्वेश्चन का कि लोग किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो उसमें बहुत सारे लोग आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन लेकर आते हैं, तो इससे हमें पता चल रहा होता है कौन कितना आउट ऑफ बॉक्स सोचता है। कोई कहता है कि मैं डोर के नीचे से झांक के देख सकता हूँ,
कोई क्वेश्चन है? ठीक है, तो ये डिफरेंट तरीके होते हैं आइडेंटिफाई करने के। अच्छा, उसके बाद आपको सर्टिफिकेशंस का आइडिया होना ज़रूरी है कि जिस फील्ड में है। अगर मैं क्यूए की बात करूं, अगर आप डेवलपमेंट में हैं तो डेवलपमेंट का भी आपको पता होना ज़रूरी है, या आपकी जो भी फील्ड है आपको सर्टिफिकेशन का वहाँ पे पता होना ज़रूरी है। तो अगर क्यूए की मैं बात करूँ या टेस्टिंग की बात करूँ, तो सबसे फेमस ISTQB, आपको इस सर्टिफिकेशन का पता होना ज़रूरी है। आपकी नॉलेज जो है जो वो इस पे बेस करनी चाहिए। फिर CSQP है, CSQE भी कहते हैं इसे, CSM है, एजाइल की है, सर्टिफाइड स्क्रम मास्टर। तो इस तरह की और बहुत सारी सर्टिफिकेशंस होती हैं। पॉइंट ये है कि आपको ये चीज़ें पता हैं या नहीं है। पॉइंट ये नहीं है कि आप ये सर्टिफिकेशन करके बैठे हुए हों, ये एक्सपेक्टेशन होती ही नहीं है। लेकिन आपको पता हो, इससे ये अंदाज़ा होता है कि आप जिस फील्ड में जॉब करना चाह रहे हैं आपको वाकई में इंटरेस्ट है या उसका नहीं है। मेरा सिंपल सा सवाल होता है कि जब मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि व्हाई यू वांट टू ज्वाइन क्यूए और सिलेक्ट क्यूए फील्ड, तो सबका ये आंसर होता है 90% का कि सर मुझे इंटरेस्ट है क्यूए में। मैंने कहा अच्छा भाई, बहुत कम लोगों को इंटरेस्ट होता है। मैंने कहा कि मुझे जस्टिफाई करो अपने आंसर को कि तुम्हें इंटरेस्ट है तो तुमने अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए क्या किया। तो ब्लैंक होते हैं, उनमें से 90% ब्लैंक होते हैं। वहाँ पे वो आंसर कर रहे होते हैं कि सर मैंने सिलेनियम खुद से सीखा है, सर मैंने ये टूल खुद से सीखा है, वीडियो से देख के सीखा है, यहाँ से सीखा है। अगर सीखा है तो एक्सप्लोर कर लेंगे कि इसने सीखा है या नहीं सीखा है खुद से। पॉइंट समझ में आया? कि फिर आपको डेवऑप्स की नॉलेज है या नहीं है, बेसिक नॉलेज। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आजकल इंटरव्यूज़ में एक्सपेक्टेशन होती हैं एक स्पेशली फ्रेश कैंडिडेट से। किसी का कोई सवाल? अच्छा, इसमें मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जब आपने जो सर्टिफिकेशन नॉलेज वाली जो बात की है, तो क्या जो बंदा इंडस्ट्री में आ रहा है उसको पहले सर्टिफिकेशन करके आना चाहिए, या मतलब यानी थोड़ा सा एक्सपीरियंस बना ले और फिर वो सर्टिफिकेशन करे, क्योंकि जाहिर सी बात है इसमें इन्वेस्टमेंट भी है। जमा करा के आना, ठीक है। ओह, अच्छा, जो इसको क्वेश्चन नहीं है वो करा के आना, सिर ना खा बिल्ला या फिर दरेंदा। देखो, मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता स्टूडेंट जो सर्टिफिकेशन करें। जब उनका स्टेटस स्टूडेंट से एम्प्लॉय हो जाए, थोड़ा सा वो एंजॉय कर लें उस प्रेशर को जो इंडस्ट्री का है, थोड़ा सा वो देख लें क्या क्या होता है इंडस्ट्री के अंदर, उसके बाद जो है फिर वो सर्टिफिकेशन की तरफ जाएं। लेकिन वो इस के कंटेंट को ज़रूर देखें। इसी वजह से मैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है मेरे जो कोर्स होता है उसमें 50% रेशियो जो है इन सर्टिफिकेशन बॉडीज़ की चीज़ें शामिल होती हैं, ताकि स्टूडेंट को पहले से ही नॉलेज हो। ये मुझे राइट दे देना स्क्रीन शेयर की, मुझे होस्ट बना दो। जी, वन सेकंड। इसकी नजर आ रही है मेरी सबको? कोई एक भी रिप्लाई करते? ठीक है जी सर। तो ये कुछ एक्सपेक्टेशन है। और एक मैं अगर केस स्टडी शेयर करूं, मे बी वो पर्सन यहाँ मौजूद हो अभी, कि एक मरतबा ऐसा हुआ कि एक स्टूडेंट था एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी का, मैं नाम मेंशन नहीं कर रहा, और उसकी CGPA 3.8 थी, और वो कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड से भी नहीं था, वो टेलीकॉम के बैकग्राउंड से था। सारे इंटरव्यू का जो प्रोसेस होता है उसमें टेस्ट में उसके हाईएस्ट मार्क्स थे, इंटरव्यू में भी उसने सबसे बेस्ट परफॉर्म किया। तो हमने जो 5 रिसोर्सेज चूज़ करी थी उनमें वो सबसे टॉप पे था, लेकिन हमने उसको जॉब ऑफर नहीं करी। रीज़न क्या है? रीज़न ये था कि कुछ टेक्निकल के अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस हो रहे होते हैं इंटरव्यू में, उनका आंसर्स बड़े ध्यान से देना चाहिए।
इंटरव्यू के अंदर आपको इतना ज़्यादा वो रिलैक्स कर देते हैं कि ताकि आप से जो अंदर आप सोच रहे हैं वो चीज़ें आप बाहर बता सकें। उसने एमएस के लिए अप्लाई किया हुआ था जर्मनी में और ऑलमोस्ट प्रोसेस उसका कंप्लीट था, उसको वहाँ से कॉल आने ही वाली थी और उसने टेलीकॉम में ही किया था। ये नेटवर्क का मुझे लग रहा है कि ये कुछ गड़बड़ होना शुरू हो गया है। खैर, तो मैं एक केस स्टडी शेयर कर रहा था कि एक कैंडिडेट था जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उसने टॉप ऑफ द लिस्ट था, लेकिन हमने उसे जॉब ऑफर नहीं करी। रीज़न क्या था कि उसने एमएस के लिए अप्लाई किया हुआ था बाहर, उसकी 3.8 सीजीपीए थी और वो एक वेल नोन यूनिवर्सिटी से पास आउट था, तो उसके बहुत ज़्यादा वो था कि उसका प्रोसेस कम्प्लीट होने ही वाला था। तो पॉइंट ये है कि हम क्या ऐसे रिसोर्स को जॉब ऑफर करें जो कुछ महीने हमारे साथ काम करे और फिर वो चला जाए? ऐसा कभी नहीं होता है। तो जॉब जो एम्प्लॉयर जो होते हैं वो ये देख रहे होते हैं, तो बहुत सारी रिसोर्सेज होती हैं या स्टूडेंट होते हैं जो एज अ स्टेयर यूज़ कर लेती हैं कि मैं 2-3 महीने काम करके फिर मैं मूव कर जाऊँगा। तो इससे होता क्या है, अगर मैं आपको पिक्चर का जो दूसरा रुख है अगर मैं वो समझाऊं, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ये होता है कि मेरा कोई प्रोजेक्ट चल रहा है जिसके लिए मुझे रिसोर्स चाहिए है, जब मैं एक नई रिसोर्स लूँगा अगर वो फ्रेश है तो मुझे 1.5-2 महीने उसे ट्रेन करना होगा, प्रॉपर टूल सिखाने होंगे, जिस एप्लीकेशन को उसे टेस्ट करना है मुझे उसे वो सिखाना होगा, उसकी सारी फंक्शनल नॉलेज देनी होगी कि चीज़ें कैसी चलती हैं। जब वो रिसोर्स तैयार हो जाए और अब वो जब काम करने के लायक हुआ है और वो छोड़ के चला जाए, तो एक तो नुकसान ये है कि उस पर जो इन्वेस्ट कर दिया हमने वो एक अलग है, लेकिन जो प्रोजेक्ट की टाइमलाइन है फिर वो भी ख़राब होगी उससे। बात समझ में आ रही है? तो ये भी रीजंस होते हैं रिजेक्शन के। तो इंटरव्यू देते हुए ये सारी चीज़ें जो हैं ये कंसिडरेशन में लाना ज़रूरी है। नहीं, इसमें आपने एक पॉइंट पॉजिटिव लिखा हुआ है, इसको आपने एक्सप्लेन नहीं किया था, ये क्या चीज पॉजिटिव जो है वो वर्ड से बात करने पॉजिटिव ऑफ नेगेटिव माइंडेड पर्सन। हाँ, कुछ लोग होते हैं जिन्हें हर कोई जो जब आप उनसे मिलेंगे तो आपको अच्छा फील नहीं होगा, और आप 5 लोगों को उनसे मिलवाएंगे तो उनको भी अच्छा फील नहीं होगा। ये वो लोग होते हैं जिनके अंदर नेगेटिविटी भरी हुई होती है, वो चीज़ों को के पॉजिटिव व्यू के बजाय नेगेटिव व्यू देख रहे होते हैं। मैं 2 स्टूडेंट को बिठाऊं और एक से पूछूं, भाई तुमने ये चीज़ें खुद से सीख ली, दूसरे ने नहीं सीखी, दूसरे पूछूं भाई तुमने क्यों नहीं सीखी, सर टीचर ही अच्छे नहीं थे हमारे, और दूसरा स्टूडेंट भी उसी टीचर से पढ़ के आया है। अच्छा ठीक है, उसके अलावा सर क्या नाम है मुझे पता ही नहीं कि क्या क्या करना है, तो हर चीज़ का उसके पास नेगेटिव आंसर मौजूद है। तो ऐसे लोग टीम के अंदर आके जो है वो नेगेटिविटी फैलाते हैं। जो एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट होता है टीम का, कि एक कोलेबरेटिव इन्वायरमेंट होता है, तो वहाँ पे नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, ये हमें कम टाइम दे दिया, उनको बेनिफिट ज़्यादा हो रहा है मुझे बेनिफिट कम हो रहा है, तो इस टाइप के थिंकिंग के लोग होते हैं। वो इंटरव्यू में हम लोग बहुत ईजिली जो है ये चीज़ें एक्सप्लोर कर लेते हैं कि कौन किस तरह का है। तो ये बहुत डेंजरस चीज़ है, क्योंकि ये वाली चीज़ें जो हैं ये आपको अपने इन्वायरमेंट से मिलती है, जो ये पॉजिटिव और नेगेटिव वाली चीज़ें, जैसे आपकी गैदरिंग होगी आप बिल्डअप ऑलमोस्ट वैसे ही हो रहे होते हैं। तो क्लियर है ये? अच्छा, थैंक यू सर। अब एक चीज़ होती है कि लोग इंटरव्यूज़ देने ही नहीं जाते हैं, कॉन्फिडेंस का मसला हो रहा होता है, कि रीज़न क्या होता है, या तो वो डिसहार्ट हो रहे होते हैं या वो रिजेक्शन से जो है वो डर रहे होते हैं। तो इसके लिए मैं कहता हूँ कि अपने रिजेक्शन से सीखो। इसके लिए एक केस स्टडी है मेरे यूनिवर्सिटी का, जो मेरी ग्रेजुएशन थी उसमें एक स्टूडेंट ऐसा था, मतलब मैं बहुत क्लोज फ्रेंड था, जो सिर्फ इंटरव्यू देने ही इसलिए जाता था कि वो सीख सके कि इंटरव्यू में पूछा क्या जाता है, उसका पर्पज़ जॉब था ही नहीं। वो जाके इंटरव्यूज़ देता और उसे बाज़ लोग तो बाकायदा बहुत ज़्यादा जो है वो जलील करके भी उसको वो करते थे, मतलब वो बहुत मशहूर होना शुरू हो गया था कि भाई ये बंदा हर जगह पहुंच जाता है।
तो उसने क्या किया, उसने बहुत ज़्यादा इंटरव्यू दिए, उसने 40-50 के करीब इंटेंसिव इंटरव्यूज़ दिए, क्योंकि उसका टारगेट जो है वो ये था ही नहीं जो लोग देख रहे थे। उसने उन इंटरव्यूज से अपने आप को इतना बनाया कि अभी इस वक्त जो है वो एक बहुत बड़ी कंपनी के बहुत ऊँची पोस्ट में, मैं नाम क्योंकि मैंशन नहीं कर सकता, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, तो ऐसा भी होता है। तो पॉइंट क्या है यहाँ पे, जो टेक अवे है वो ये है कि आप अपने फेलियर को फेलियर ना बनाएं, अपने फेलियर से सीखें, आप रीज़न ढूंढें कि फेलियर हुआ क्यों है। अभी जो मैंने एक प्रीवियस केस स्टडी एक बताई थी कि उस स्टूडेंट का जो बिल्कुल टेक्निकली वो था, वो बाहर जाकर तो ये बोल रहा होगा कि फेवरेटिज्म है, मेरा सब कुछ अच्छा हुआ, मुझे नहीं कि अपने बंदे इन्होंने रख लिए होंगे, जबकि एक्चुअल रीज़न क्या था। बात समझ में आ रही है? तो इसी तरीके से अगर आपकी नॉलेज में, आपकी डेफिनेशन में लैकनेस हैं, तो आप वो आइडेंटिफाई करें और उसे इम्प्रूव करें। इंटरव्यू में आपसे जो चीज़ें पूछी जा रही हैं आप वो याद रखें कि आपने किन किन क्वेश्चन के आंसर नहीं दिए। पॉइंट आंसर देना नहीं होता है, पॉइंट है अपने आप को बनाना। आप उन क्वेश्चन से ये आइडेंटिफाई करें कि आपके अंदर क्या क्या कमी है, आपको वो ओवरकम करने की ज़रूरत है। और ये सारे लेवल्स के लिए, ये फ्रेश से लेके एक्सपीरियंस सारे लोग के लिए, मतलब आप, मैं ये कहता हूँ कि आपको अपने ऊपर इतना काम करना चाहिए कि जॉब को आप चूज़ करें ना कि जॉब आपको चूज़ करें। आपके पास चॉइस हो कि इन तीन में से मुझे कौन सी जॉब को चूज़ करना है, और इंडस्ट्री के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं और बहुत सारे फ्रेश रिसोर्स ऐसी आती हैं जो तीन तीन ऑफ़र लेके आ रही होती हैं, वो बार्गेन कर रहे होते हैं फिर वहाँ पर। बात समझ में आ रही है? तो अगर वो इतने तैयार हो सकते हैं तो बाकी क्यों नहीं हो सकते, तो बाकी भी हो सकते हैं। सारा जो चीज़ है वो जाके रूट कॉज जाके वही है कि आप टाइम तो दें अपने ऊपर। अब कुछ टेस्टिंग की चीज़ों पे आते हैं कि इंटरव्यूज़ के अंदर टेस्टिंग की चीज़ें भी पूछी जाती हैं। आपको टेस्ट प्लानिंग का आइडिया होना चाहिए कि टेस्ट प्लान क्या है, टेस्टिंग को प्लान किस तरीके से किया जाता है, टेस्ट केसेस क्या होते हैं, टेस्ट केस लिखे कैसे जाते हैं, टेस्ट डिज़ाइन किस तरह के आते हैं, टेस्ट डिज़ाइन की टेक्निक्स कौन कौन सी मौजूद हैं, टेस्ट डेटा क्या है, टेस्ट एग्जीक्यूशन किस चीज़ को कहते हैं, वो कैसे हो रहे हैं, टेस्टिंग के टूल्स कौन कौन से मौजूद हैं, और प्रैक्टिकल टेस्टिंग किस तरीके से होती है। देन उसके बाद आपको सर्टिफिकेशन की नॉलेज, डेवऑप्स का आइडिया अच्छे से होना चाहिए, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फिर ऑटोमेशन केस में ये एक्सप्लोर किया जाता है बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक या फ्रेमवर्क लेवल तक कि इसको कितना काम आता है। ऑटोमेशन जो है वो दो तरीके से होती है, एक होती है यूआई को यूज़ करके ऑटोमेट करना, एक होती है बैकएंड से ऑटोमेट करना कि आप बैकएंड से डायरेक्ट वेब सर्विसेज के थ्रू या एपीआई के थ्रू जो है वो टेस्टिंग कर लेते हैं। तो ऑटोमेशन के लिए कोडिंग की ज़रूरत है, लेकिन बहुत कोर कोडिंग की ज़रूरत नहीं है, एक बेसिक लेवल की ज़रूरत है जो हर कोई बहुत ईजिली कर सकता है। और ऑटोमेशन अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है तो वो मेरा चैनल जो है वो विज़िट कर सकता है, वहाँ पे मैं प्रॉपर बेसिक लेवल से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ये ऑटोमेशन को, तो उसको फॉलो कर सकता है वो वहाँ पे भी। इसके अलावा और भी बहुत सारे चैनल्स हैं वहाँ पे वो फॉलो कर सकता है। अब टूल पर आप चैनल पर लिंक सेंड कर दें, चैनल तुम जाके यूट्यूब पर सर्च कर लो, आमिर इमाम जो है वो नज़र आ जाएगा, ये लोगो जो नज़र आ रहा है यही मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, अच्छा तो ठीक है, थैंक यू। ऑटोमेशन जो है वो वेब की भी होती है, मोबाइल की भी होती है, डेस्कटॉप की भी होती है। डेस्कटॉप यहाँ पे बोल्ड मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि डेस्कटॉप एप्लीकेशन अब बहुत लिमिटेड रह गई है, तो उस पर फोकस भी कम होना चाहिए। अब ज़्यादातर एप्लीकेशन जो ऑटोमेट हो रही है वो वेब की है या वो मोबाइल है। अच्छा, ये म्यूट कर दो अगर क्वेश्चन नहीं है किसी का। तो आपको ऑटोमेशन पर फोकस भी इसलिए करना चाहिए। अब मोबाइल की बात करें तो मोबाइल में आपका जो है वो एंड्रॉयड भी है और आपका iOS भी है, तो आप एंड्रॉयड से स्टार्ट करें। मैं ये कहता हूँ बजाय इसके आप डायरेक्ट जंप मार के 10th स्टेट पे पहुँच जाएं, आप फर्स्ट पे तो रखें। जब आप फर्स्ट स्टेट पे पैर रखेंगे तो आप ऑटोमेटिकली चढ़ना शुरू हो जाते हैं। हमेशा जो फर्स्ट स्टेयर है वही चढ़ना सबसे मुश्किल होती है। वंस आप फर्स्ट स्टेयर चढ़ गए फिर आप चढ़ते चले जाएंगे। और एक बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, टाइम। अब तुम लोग जो यहाँ पे बैठे हुए हो ये तुम लोग अपना टाइम दे रहे हो, ये मैं भी अपना टाइम दे रहा हूँ, तुम लोग भी अपना टाइम दे रहे हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि टाइम नहीं दे रहे हैं इस टाइम पे, या तो वो सो रहे हैं या कोई मूवी देख रहे होंगे या कोई गेम खेल रहे होंगे, पबजी वगैरह खेल रहे होंगे। तो इसका मतलब क्या है, क्या वो टाइम वैल्यू दे रहा है पबजी खेलने वाले उसे, या कोई भी गेम खेल रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, नहीं दे रहा। लेकिन ये जो टाइम है इससे बहुत बेनिफिट मिल सकता है, या सिमिलर इस जैसे कोई और आप इवेंट अटेंड कर रहे हैं तो वहाँ से आपको बहुत बेनिफिट मिल सकता है।
ठीक है, डिफरेंट टूल्स से सिलेनियम हो गया, एपीएम की नॉलेज होनी ज़रूरी है, टेस्ट कंप्लीट है, टेस्ट कंप्लीट जो है वो डेस्कटॉप के लिए भी यूज़ होता है। तो फिर आजकल जो है डिफरेंट और फ्रेमवर्क्स हैं, पपीटर है, प्रोटेक्टर हैं। तो सीनियर के लिए मैं ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि आजकल काफ़ी सारे सीनियर जो हैं बड़े पैनिक में हैं। रीज़न क्या है, डिफरेंट ग्रुप्स हैं जहाँ पे हर कोई नए टूल नए फ्रेमवर्क पे बात कर रहा होता है और वो टेंशन में आ रहे होते हैं कि यार मैंने तो ये किया नहीं है, मैंने तो ये किया नहीं है। तो उसकी ज़रूरत भी नहीं है, आपको आजकल जो ज़रूरत है वो है टी शेप रिसोर्स की। टी शेप का मतलब ये है कि आपको किसी एक चीज़ का एक्सपर्ट होना ज़रूरी है, बाकी सारी चीज़ों की आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि जब आप मूव करना चाहें तो आप इजीली मूव कर सकें उस चीज़ में, आपको टाइम नहीं लगाना पड़े। ठीक है, तब हम जो चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं इस पे किसी का कोई सवाल, तो अब मैं इनके सोल्यूशन की तरफ जा रहा हूँ कि ये चीज़ें क्या हैं, मतलब टेस्टिंग क्यू ए क्यू सी में क्या फ़र्क है, टेस्टिंग के प्रिंसिपल्स क्या हैं, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो किसी का अब तक कोई सवाल या वो इंटरव्यू से रिलेटेड अगर जो है किसी का कोई सवाल है तो वो कर सकता है। मेरा यही सवाल है कि ऑटोमेशन जो है वो बिगिनर को किस हद तक आनी चाहिए, अगर वो इंटरव्यू में पूछते हैं कि ऑटोमेशन वो किस हद तक आनी चाहिए। ऑटोमेशन जो है वो इतनी आनी चाहिए कि मैं अगर तुम्हें कोई वेबसाइट दूं तो बेसिक उसको ऑटोमेट कर सको, उसके बेसिक फ्लो को ऑटोमेट कर सको। अगर तुम्हें फ्रेमवर्क डिज़ाइनिंग आती है या कोई फ्रेमवर्क यूज़ करके कर रहे हो तो ज़्यादा लेवल बढ़ जाता है, अगर बेसिक कर रहे हो तो एटलीस्ट ये हो गया कि इसे ऑटोमेशन आती है, हम इसे आगे करा लेंगे, तुम्हारा उससे लेवल अप हो जाएगा कि जिसको ऑटोमेशन आती ही नहीं है, तुम्हारे चांस बढ़ गए। अगर पैरेलल में कोई और भी जी सर, अगर ऑटोमेशन अगर हम इंटरव्यू के लिए पूछें और बोलते हैं कि मुझे टेस्ट एमवी फ्रेमवर्क भी आता है तो उसके लिए चांसेस जीरो होते हैं सर? बिल्कुल, सिर्फ बोलने से नहीं होता है, वो इंटरव्यू लेने वाला जो है वो ऑब्वियसली वो एक्सपर्ट होगा, वो एक्सप्लोर कर लेगा। तो इंटरव्यू देने वाले को बाज़ मरतबा लग रहा होता है कि वो बेवकूफ़ बना के चला गया है, और इंटरव्यू लेने वाला या जो एम्प्लॉयर होते हैं नॉर्मली वो ऐसे बिहेव कर रहे होते हैं, बेवकूफ़ बन रहे होते हैं, शो कर रहे होते हैं, प्रिटेंड कर रहे होते हैं मीन्स, तो जबकि ऐसा नहीं होता है, वो खेल रहे होते हैं उल्टा। अच्छा, इंटरव्यू में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इंटरव्यू की डायरेक्शन बनाना। इंटरव्यूज़ के अंदर स्टोरीज़ नहीं सुनाना चाहिए, हर चीज़ की एक बहुत सिंपल डेफिनेशन जो है वो याद करके रखो, जो बहुत मिनिमम वर्ड्स पे हो। इससे फ़ायदा ये होता है जब आप वो आंसर करते हैं, नॉर्मली इंटरव्यू में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके आंसर से ही बनता है ज़्यादातर। तो अगर आपके आंसर इतना प्रिसाइज होगा और उसके अंदर एक से दो ही कीवर्ड हैं तो एक्सपेक्टेड ये है कि वो उन दो में से ही कुछ पूछेगा आपसे। बात समझ में आ रही है? तो इसी तरीके से आप डायरेक्शन बना सकते हैं इंटरव्यू। यस सर। क्यूए वर्सेस क्यूसी एक बहुत मिस कंसेप्शन है जो मैं सही कर दूं कि इंडस्ट्री के अंदर, मतलब इंडस्ट्री के अंदर ही पेनिट्रेट वो चीज़ की हुई है। डेजिग्नेशन आपको क्वालिटी अश्योरेंस इंजीनियर की मिलेगी, लेकिन आप काम क्वालिटी कंट्रोल या टेस्टिंग का कर रहे होंगे, जबकि क्वालिटी अश्योरेंस जो है वो कुछ और है, क्वालिटी कंट्रोल इज समथिंग एल्स। तो इसके लिए मैं एक चीज़ कहता हूँ कि ये समझना ज़रूरी है कि जो चीज़ फॉलो हो रही है और क्या फॉलो होनी चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस रखना ज़रूरी है, तो ही इम्प्रूवमेंट ला सकते हो। इट्स नॉट नेसेसरी कि तुम कहीं गए हो वहाँ जो चीज़ फॉलो हो रही है वो सही हो या वो एज़ पर स्टैंडर्ड हो, बेशक उन्हें सक्सेस मिल रहा हो लेकिन वो स्टैंडर्ड नहीं है। तो आपको ये डिफरेंस रखना ज़रूरी है कि जो चीज़ फॉलो हो रही है और जो होना चाहिए वो क्या है। क्वालिटी अश्योरेंस और कंट्रोल के लिए एक मैं स्टोरी सुनाता हूँ कि मेरे स्टूडेंट अगर मौजूद हैं उन्हें तो वो स्टोरी पता होगी कि चलो टाइम तो असल में शॉर्ट है तो मैं आगे बढ़ता हूँ, डायरेक्ट मैं इस पे आता हूँ। जो क्वालिटी अश्योरेंस का काम है वो है प्रोसेस का, उसका काम है प्रोसेस को डिफाइन करना, प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करना, उसका ऑडिट करना कि सही से वो प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है या नहीं, और ट्रेनिंग देना, ये है क्यूए का काम। अब मेरा यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जो यहाँ पे क्यूए के लोग मौजूद हैं, अकबर मौजूद है, अकबर एक्सपीरियंस है, इसके अलावा भी और बहुत एक्सपीरियंस रोज मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, वो मुझे बताएंगे उनकी डेजिग्नेशन क्यूए की है, क्या वो ये काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं?
वो टेस्टिंग ही कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक मिसकंसेप्शन है जो प्रोपोगेट किया हुआ है इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन आपको ये पता होना ज़रूरी है कि कुछ कंपनीज होंगी जहाँ पे ये क्यूए के डेजिग्नेशन पे यही काम हो रहा होगा। कोई कुछ कहना चाह रहा है? सर जहाँ पे मतलब यानी जहाँ पे क्यूए सेटअप नहीं हुआ हुआ होता चाहिए, जहाँ पे मतलब यानी जैसे कि आजकल स्टार्टअप्स हैं या मतलब यानी कुछ इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन हैं जहाँ पे अभी क्यूए का एनवायरनमेंट नहीं होता, क्यूए का डिपार्टमेंट ही नहीं होता, तो वहाँ अगर किसी को चांस मिलता है तो वो बेसिकली सबसे पहले मतलब यानी क्यूए डिपार्टमेंट को बनाने के लिए एक प्रोसेस ही सेटअप करता है, ठीक है ना। और वो बेसिकली जो आपने बात बिल्कुल सही की कि वो फिर एक मतलब यानी प्रॉपर क्यूए होता है एंड देन मतलब उस चीज़ को मतलब क्यूसी वाले टेकअप करते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है कि हर जगह नहीं है, लेकिन कुछ मतलब जैसे स्टार्टअप लाइक ऑर्गेनाइजेशंस में ये है मतलब इंप्लीमेंट हो रहा है। अच्छा, तुम्हारे पॉइंट का आंसर जो है ना वो ब्रेथ को अगर तुम चेक करो तो क्यूए की ब्रेथ क्या है, इसका जो कवरेज है वो है ऑर्गेनाइजेशन वाइड। सिर्फ क्यूए नहीं, टेस्टिंग के प्रोसेस को सिर्फ डिफाइन करना नहीं है, बात समझ में आ रही है। ये प्रोसेस जो है पूरी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस हैं, उसमें प्रोडक्ट्स भी हैं, प्रोजेक्ट्स भी हैं और सब कुछ है। सारे प्रोसेस जो है ओवरऑल प्रोसेस वो क्यूए का काम है, ठीक है। जबकि जो क्यूसी होता है उसका स्कोप जो है वो सिर्फ प्रोडक्ट पे या प्रोजेक्ट पे होता है। खैर, इसको मैं समराइज़ कर लूँ ताकि इसका टेक अवे अगर हो तो क्यूए जो है वो टोटली फोकस उसका होता है प्रोसेस, कि अगर प्रोसेस सही होगा तो चीज़ें खुद ही सही बनेंगी। इसके एग्जाम्पल इस तरीके से लो कि अगर कोई यूनिवर्सिटी है वहाँ पे अटेंडेंस का सिस्टम मैनुअल है, ठीक है, और हर कोई जाता है वो रजिस्टर में अपनी अटेंडेंस लगाता है और आ जाता है, तो कोई लेट भी जाता है वो अपनी अटेंडेंस जो है लिख के सही टाइम लिख के आ जाता है। तो यहाँ फ्लो है प्रोसेस का, जबकि अगर आप इसको कोई मशीन लगा दें बायोमेट्रिक या RFID कार्ड से जो स्कैन हो जाए, तो वहाँ पर क्या ये चीज़ हो सकती है? नहीं हो सकती। रीज़न क्या है? आपने प्रोसेस के ऊपर जो है वो कंट्रोल्स लगा दिए, तो आपने प्रोसेस को डिफाइन इस तरीके से करना है कि चीज़ें जो हैं वो सही से चलें। इसकी एग्जांपल मैं और देता हूँ कि मतलब मैं अपने रिसोर्सेज को किस तरीके से मतलब मैनेज करता हूँ या उसकी उनकी प्रोडक्टिविटी कैसे चेक करता हूँ। अगर मैं ये रखूँ कि मैं जस्ट फीडबैक लूँ कि भाई कितना काम हो गया, तो उसके आंसर मेरे रिसोर्सेज क्या करेंगी कि 50% हो गया, 60% हो गया, ठीक है। मैं मेक श्योर कैसे करूँगी जो वो कह रहा है वो सही कह रहा है, बजाय इसके अगर मैं मेरा प्रोसेस ये हो कि मैं कैटेगराइज कर लूँ क्यूए के काम को कि नॉर्मली टेस्टिंग में क्या काम होता है, कि आप अंडरस्टैंडिंग लेते हैं जो आपको फीचर या यूज़र स्टोरीज आई है उसको समझने के लिए, फिर आप टेस्ट डेटा क्रिएट करते हैं, फिर आप टेस्ट केस राइट करते हैं, फिर आप टेस्ट केस एग्जीक्यूट करते हैं। अब उससे मैं बजाय इसके ये पूछूँ कितना हो गया, मैं ये पूछूँ कि ये बताओ कि इन कैटेगरीज में तुम कहाँ पर हो, तो मैं ज़्यादा बेहतर प्रिसाइजली बता सकता हूँ कि कहाँ पे कितना काम हो गया, कितना रह गया, बात समझ में आ रही है। तो प्रोसेस का मतलब ये होता है। अब कोई जो है डिफेक्ट जो है वो ईमेल पे ही कर रहे हैं, कहीं मैनेज नहीं कर रहे हैं और कहीं पे प्रॉपर बग ट्रैकिंग टूल यूज़ हो रहा है, कहीं पे रिव्यूज़ ही नहीं होते हैं और कहीं पे रिव्यू हो रहा है, तो ये डिफरेंस है प्रोसेस का। और ये तो क्यूए का काम असल में है प्रोसेस डिफाइन करना, और क्यूसी का काम जो है वो उन प्रोसेस को यूज़ करना। इनका फोकस जो है क्यूसी वो प्रोडक्ट पे फोकस है, प्रोडक्ट को टेस्ट करती हूँ, क्लियर है। तो एक्टिविटी यही है जो क्यूए की है, वो प्रोसेस की डेफिनेशन, प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करवाना, प्रोसेस का ऑडिट करना। प्रोसेस का ऑडिट करना इसलिए ज़रूरी है कि सिग्नल्स नज़र लगे हुए होते हैं, सिग्नल लगे हुए हैं मतलब क्यूए की ज़रूरत क्यों है, अब ये भी तो समझो कि ये एक इंस्पेक्टर है, आपके सिग्नल मौजूद हैं तो क्या लोग जो है वो सिग्नल ब्रेक नहीं करते हैं, करते हैं ना। तो प्रोसेस डिफाइन करने का मकसद ये नहीं होता है कि वो प्रोसेस को फॉलो भी किया जाएगा, उसका ऑडिट करना ज़रूरी है कि फॉलो किया गया या नहीं किया गया, क्लियर है। तो ये एक मेन डिफरेंस है क्यूए का और क्यूसी। सर मैं ऐड करूं? जी जी आमिर भाई, बहुत छोटी सी चीज़ ऐड कर रहा हूँ, ये बेहतरीन स्लाइड है, आपने बहुत अच्छी समझाई। करियर वाइज जो है ये SQC जो है जिसमें हम सब लोग जा रहे हैं और हम इसकी बात कर रहे हैं और तलबा से यही बात है कि यहाँ से शुरू करेंगे, इनका फ्यूचर जो है ना वो SQA जो है वो SQC का ऑडिटर है, और CMMI जैसे कंपनी पूरी रजिस्टर होती, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं
जो क्लेम करते हैं हमारे प्रोसेस जो हैं वो कंप्लायंट विद CMMI स्टैंडर्ड्स हैं, ये एक बहुत बड़ा काम है जो कि किया जाता है, बहुत अच्छी तनख्वाह मिलती है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट ऐड किया है हुमायूं भाई ने। तो ये डिफरेंस रखना ज़रूरी है कि जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आप जाएंगे तो आपको रोल शायद जो टैग मिले वो तो SQA का मिले, लेकिन जो आपका रोल होगा वो SQC का होगा, आप क्वालिटी कंट्रोल कर रहे होंगे। क्वालिटी कंट्रोल प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बाद से स्टार्ट होती है, वो भी हम आगे देखेंगे भी। कोई सवाल पूछ रहा था सर? एक क्वेश्चन है सर, मैं खुद बताया था इंटरव्यू देने गया था तो उन्होंने मैंने QA के लिए अप्लाई किया था, लेकिन जब वो इंटरव्यू के बाद दरमियान में पूछते हैं वो कहते हैं कि हम आपको QC के लिए हायर कर रहे हैं। सही है, वेरी गुड, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर वो एक्सप्लिसिटली जहाँ पे ये सेग्रीगेशन मौजूद है इसका मतलब ये है कि वो मैच्योर हैं, उनको समझ है इन चीज़ों की। उसमें भी कुछ ऐसे करते हैं कि बंदा कंफ्यूज हो जाए कि QA और QC में। हाँ, और ये टैक्टिक्स भी हो सकती हैं कंफ्यूज करने की, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, मैं थोड़ा सा फास्ट करूँगा, चीज़ें काफ़ी सारी हैं। मैं असल में जो काउंसलिंग वाली चीज़ें थी मैं उस पर थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाया है, क्योंकि देखो ये बाकी जो कंटेंट है इसके लिए तुम मुझे पकड़ सकते हो अलग से, लेकिन जो बाकी जो काउंसलिंग वाली चीज़ें हैं वो रोज़ाना नहीं होती हैं, तो वो थोड़ी काम की चीज़ें थी, वो याद रखो तो बेहतर होगा। और ये रिकॉर्डिंग हो रही है, ये शेयर हो जाएगी तुम लोगों से कहीं ना कहीं। तो कुछ टेक्निकल चीज़ें हम उस पर अब जाना शुरू हो गए। तो टेस्टिंग के डिफरेंट लेवल्स हैं, टाइप्स हैं, अप्रोचेज़ हैं। टेस्टिंग की हर चीज़ टाइप नहीं है। लेवल क्या है? लेवल है कंपोनेंट टेस्टिंग या यूनिट टेस्टिंग, ये सबसे लोएस्ट लेवल है। देन इंटीग्रेशन, उसके बाद सिस्टम और UAT। एक यूनिट क्या है? नॉर्मली एक मेथड को एक यूनिट कहा जाता है, जो डेवलपमेंट मेथड होता है एक, उसे एक यूनिट कहा जाता है। ये वाइट बॉक्स होता है, वाइट बॉक्स का मतलब ये है कि कोड को टेस्ट किया जाता है इसके अंदर। अगर आप UI को यूज़ करते हुए टेस्टिंग कर रहे हैं, कोड का आपको नहीं पता, तो दिस इज़ ब्लैक बॉक्स। आप जस्ट फंक्शनैलिटी टेस्ट कर रहे हैं फ्रॉम UI, आपको कोडिंग का कुछ नहीं पता है। जबकि वाइट बॉक्स में क्या होता है, वाइट बॉक्स में आप कोड को टेस्ट कर रहे होते हैं, कोड के डिफरेंट पाथ को टेस्ट कर रहे होते हैं, कोड की लॉजिक को टेस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये लेवल हैं, यूनिट इंटीग्रेशन, सिस्टम यूनिटी। डिफरेंट यूनिट इंटीग्रेट होते हैं, फिर सिस्टम बनता है, पर सिस्टम इंटीग्रेट होने के बाद फिर सिस्टम बनता है, और सिस्टम के बाद UAT यूज़र को करवाया जाता है। तो इंटीग्रेशन की तीन टाइप्स हैं, टॉप डाउन, बॉटम आउट और बिग बैंग, इसको भी हम देखते हैं। फिर सिस्टम की दो टाइप्स हैं, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल। हर टेस्टिंग या तो फंक्शनल होगी या नॉन फंक्शनल होगी, अगर हम सिस्टम लेवल के लिहाज से देखें। फंक्शनल टेस्टिंग, हर वो टेस्टिंग जिसके अंदर आप फंक्शनैलिटी को टेस्ट कर रहे हैं वो आपकी फंक्शनल टेस्टिंग है, और हर वो टेस्टिंग जिसके अंदर आप फंक्शनैलिटी को टेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप सॉफ्टवेयर के क्वालिटी एट्रीब्यूट्स को टेस्ट कर रहे हैं, वो आपकी नॉन फंक्शनल है। एक और चीज़ इंडस्ट्री के अंदर घूम रही है और काफ़ी सारे स्टूडेंट को पढ़ाया भी जाता है, ये जो मुझे फीडबैक मिलता है जो कि गलत है। फंक्शनल विल ऑलवेज फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल विल ऑलवेज रिमेन नॉन फंक्शनल। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि नॉन फंक्शनल जो है वो फंक्शनल हो जाए। अब वहाँ पे रीज़न क्या दिया जाता है कि कस्टमर अगर एक्सप्लिसिट मेंशन करे नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट तो वो फंक्शनल हो गई, ये गलत डेफिनेशन है। आप उसको फंक्शनल ट्रीट कर लें भले, लेकिन वो फंक्शनल होगी नहीं। होता है क्या, नॉर्मली कस्टमर जो एक्सप्लिसिट चीज़ें मेंशन करता है तो उसके बिहाफ वो पेमेंट भी करता है, और नॉन फंक्शनल जो चीज़ें होती हैं कस्टमर वो नॉर्मली आपको बताता नहीं है, बहुत मिनिमम चीज़ें बताता है, ज़्यादातर वो अपने जहन में रखता है वो चीज़ें, वो आपको एक्सप्लोर करनी होती हैं, और ये सबसे क्रिटिकल होता है। इसको इस तरह समझो कि मेरा ATM है और वो बहुत बेहतरीन चल रहा है, लेकिन मेरी एक कैश विड्रॉल की ट्रांजेक्शन जब मैं फाइनल बटन प्रेस करता हूँ तो 5 मिनट के बाद मुझे कैश ला के देता है, तो क्या ये एक्सेप्टेबल होगा? नहीं होगा। इतना स्लो आप कैसे एक्सेप्ट करेंगे? तो इसका मतलब ये है कि नॉन फंक्शनल के बगैर फंक्शनल एक्सेप्ट भी नहीं होगा। फंक्शनल, इट्स ऑल अबाउट फंक्शनैलिटी। नॉन फंक्शनल इज़ अबाउट क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, सॉफ्टवेयर की जो डिफरेंट क्वालिटी एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको टेस्ट करना, जस्ट लाइक सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी, अवेलेबिलिटी, लो डिस्ट्रेस, परफॉर्मेंस। तो ये सारी चीज़ें नॉन फंक्शनल हैं और इन्हीं को ही टेस्ट करना जो है वो नॉन फंक्शनल टेस्टिंग है।
फिर आपका यूएटी है, यूएटी के डिफरेंट है अल्फा बीटा। अल्फा टेस्टिंग ये है कि यूज़र ही टेस्ट करेगा लेकिन अपने डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में आकर, जैसे मेरा सॉफ्टवेयर हाउस है, मैं यूज़र को इनवाइट करूँगा, वो मेरे एनवायरनमेंट में आकर टेस्ट करेगा, तो ये अल्फा टेस्टिंग हो गई। बीटा ये है कि मैं सॉफ्टवेयर का एक लिमिटेड वर्जन जो यूज़र्स हैं उनके एनवायरनमेंट में दे देता हूँ उनको टेस्ट करने के लिए, जो बीटा वर्जन नॉर्मली आ रहे होते हैं। लिमिटेड वर्जन इसलिए दिया जाता है कि अगर आपने पूरा वर्जन दे दिया तो फिर तो आपके हाथ से निकल गया सॉफ्टवेयर। फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टेंस भी यूएटी का एक टाइप है, इसके अंदर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको चेक किया जाता है। फिर रेगुलेशन एक्सेप्टेंस है, डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं वो, मतलब गवर्नमेंट अपनी चीज़ें रेगुलेटरी बॉडीज़ के थ्रू इम्प्लीमेंट करवाती है। जस्ट लाइक अगर टैक्सेस में कुछ अगर गवर्नमेंट चेंज करती है तो वो रिक्वायरमेंट आपका कस्टमर नहीं देगा, वो रिक्वायरमेंट आपकी गवर्नमेंट बॉडी ने दी है और वो अप्लाई होगी आपके सॉफ्टवेयर में, तो वो रेगुलेटरी बॉडी के थ्रू फिर वो अप्लाई होगी, तो उनको भी फिर टेस्ट किया जाता है। फिर ऑपरेशनल एक्सेप्टेंस का मतलब ये है कि वो एनवायरनमेंट जहाँ पे एक्चुअल में वो सॉफ्टवेयर चलना है वहाँ पे जाके टेस्ट करवाना। ये सारी टेस्टिंग यूएटी के अंदर यूज़र का इन्वॉल्व होना ज़रूरी होता है, और नॉर्मली जो है यूज़र भी इन्वॉल्व होते हैं और टेक्निकल पर्सन भी कोई इन्वॉल्व होता है। इंटीग्रेशन पे आते हैं, इंटीग्रेशन की वैसे दो टाइप हैं नॉर्मली, कंपोनेंट के बाद कंपोनेंट इंटीग्रेशन भी होती है और सिस्टम के बाद सिस्टम इंटीग्रेशन भी होती है, जिसे CIT और SIT भी कहते हैं। तो ये दो तरह की हैं लेवल्स हैं, एक लेवल ये चार हैं और एक लेवल वो पाँच हैं, कि यूनिट यूनिट के बाद कंपोनेंट के बाद कंपोनेंट इंटीग्रेशन, देन सिस्टम के बाद सिस्टम इंटीग्रेशन और फिर UAT। इंटीग्रेशन केस में ये है कि अगर आपके दो कंपोनेंट बने हुए हैं तो जस्ट आप इंटीग्रेट कर लें तो ये बिग बैंग है, कि अगर दोनों बने हुए हैं इंटर रिलेटेड। टॉप डाउन बॉटम अप में क्या केस है कि एक कंपोनेंट बना हुआ है दूसरा नहीं बना हुआ, तो नहीं बना हुआ था उसके लिए आप डमी पीस ऑफ कोड लिखते हैं जो वो बिहेवियर प्रोड्यूस करके देता है जो नहीं बना हुआ, और वो आपस में टेस्ट कर लेते हैं। तो ये डिफरेंट लेवल्स हैं। अब रिलेशन क्या है लेवल टाइप और अप्रोचेस का, एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ इसे याद रखना, कि हम डिफरेंट लेवल ऑफ टेस्टिंग के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्टिंग को परफॉर्म करते हैं यूजिंग एनी अप्रोच। हम किसी लेवल पे किसी टाइप ऑफ टेस्टिंग को परफॉर्म करते हैं किसी अप्रोच को यूज़ करते हुए। अब अप्रोचेस क्या हैं, अप्रोचेस हो सकती है आपकी प्रोएक्टिव है या रिएक्टिव टेस्टिंग है। प्रोएक्टिव मतलब ये है कि आप ऐसा टेस्ट कर रहे हैं कि पहले से चीज़ें आइडेंटिफाई कर लें, या आपकी रिएक्टिव अप्रोच है कि पहले चीज़ें फेल हो जाएं फिर आप उसको टेस्ट करना शुरू करेंगे। मैनुअल एंड ऑटोमेटेड, मैनुअल एंड ऑटोमेटेड अप्रोच हैं। आप सेम टेस्टिंग को मैनुअल भी परफॉर्म कर सकते हैं और सेम उसी टेस्टिंग को आप कोड लिख के भी परफॉर्म कर सकते हैं स्क्रिप्ट के फॉर्म में, तो ये भी अप्रोच है। देन ब्लैक बॉक्स, वाइट बॉक्स एंड ग्रे बॉक्स, लोग इसको टाइप कहते हैं, मेरे नज़दीक ये अप्रोच हैं। रीज़न क्या है कि मैं सेम फंक्शनैलिटी को कोड लेवल पे भी जाके टेस्ट कर सकता हूँ और मैं UI से भी टेस्ट कर सकता हूँ, तो मेरे नज़दीक ये अप्रोच है। ब्लैक बॉक्स, वाइट बॉक्स, ग्रे बॉक्स इन दोनों का मिक्सर कहलाता है, जिसके अंदर बहुत मिनिमम लेवल ऑफ डेवलपमेंट की रीच होती है, डेटाबेस लेवल की रीच होती है। देन स्क्रिप्टेड एंड अनस्क्रिप्टेड, स्क्रिप्टेड का मतलब ये है कि आप टेस्टिंग जो परफॉर्म कर रहे हैं क्या वो लिख के कर रहे हैं, मतलब आपने क्या टेस्ट केस लिखा है पहले एग्जीक्यूट करने से पहले। और अनस्क्रिप्टेड का मतलब ये है कि आप रैंडम टेस्टिंग कर रहे हैं विदाउट लिखे हुए, डायरेक्ट आप टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये सारी अप्रोचेज हैं। तो टेस्टिंग के लेवल्स, टाइप्स और अप्रोचेस समझ में आ गई। अच्छा, और बहुत सारी टेस्टिंग हैं जो यहाँ मौजूद नहीं है, तो क्राइटेरिया क्या है, आप जस्ट ये चेक करें कि उस टेस्टिंग के अंदर क्या आप फंक्शनैलिटी को टेस्ट कर रहे हैं। अगर आप फंक्शनैलिटी टेस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो फंक्शनल टेस्टिंग है, अगर आप फंक्शनैलिटी टेस्ट नहीं कर रहे हैं तो वो नॉन फंक्शनल है। जस्ट लाइक स्मोक, इंटरव्यूज़ में स्मोक और रेगुलेशन का पता होना ज़रूरी है। स्मोक टेस्टिंग सबसे पहली टेस्टिंग होती है, इसे BAT भी कहते हैं, बिल एक्सेप्टेंस टेस्ट। जैसे ही बिल जो है वो QA एनवायरनमेंट में या टेस्ट एनवायरनमेंट में डिप्लॉय होती है तो उसके फौरन बाद स्मोक टेस्टिंग जो है वो एग्जीक्यूट की जाती है। स्मोक टेस्टिंग को कहा जाता है कि मैक्सिमम 2 आवर्स के अंदर परफॉर्म हो जानी चाहिए, और यहाँ पर आप एप्लीकेशन के जो मेन एंड टू एंड सिनेरियो है उसे रन करके चेक करते हैं। सिर्फ पर्पज़ ये होता है ये चेक करने के लिए कि आपके सारे जो फंक्शंस हैं वो सही काम कर रहे हैं कि नहीं, कोई क्रैशेस तो नहीं है, ताकि आप फर्दर फॉर्मल टेस्टिंग कर सकें। ये है स्मोक। रेग्रेशन इज़ अ टाइप ऑफ रीटेस्टिंग। रीटेस्टिंग की दो टाइप्स हैं, एक है कन्फर्मेशन, दूसरी है रेग्रेशन। कन्फर्मेशन में
अगर कोई बग आया है उस बग को ही दोबारा से टेस्ट करना, आप कंफर्म कर रहे हैं वो चीज़ सही हो गई है इस कंफर्मेशन टेस्टिंग। रिग्रेशन क्या है कि किसी चेंज की वजह से जो इम्पैक्ट आएगा पूरी एप्लीकेशन में, उस इम्पैक्ट को देखना रिग्रेशन टेस्टिंग है। जस्ट लाइक अगर यूज़र के किसी फील्ड में मसला था तो इसकी रिग्रेशन होगी कि मैं यूज़र जहाँ जहाँ विजिबल होता है मैं उन सारी जगहों पर जाके चेक करूँगा कि वो सारे इफ़ेक्ट हो सकते हैं। क्लियर है? तो रिग्रेशन है कि चेंज कब आता है। चेंज आने के दो रीज़न होते हैं, या तो कोई नई चीज़ ऐड हुई है आपकी सिस्टम में, या कोई एग्जिस्टिंग चीज़ फिक्स हुई है। इन दोनों की वजह से आपका कोड चेंज होगा। जब कोड चेंज होगा तो आपको रिग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करनी होगी, उस चेंज की वजह से आपके एप्लीकेशन के इम्पेक्टेड एरियाज़ कौन कौन से हैं उनको देखना। तो ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लेवल्स हैं, टाइप्स हैं और अप्रोचेस थे। देन ये वी मॉडल है। वी मॉडल सबने पढ़ा होगा। वी मॉडल की टेस्टिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये वो वाहिद मॉडल है जिसके अंदर टेस्टिंग बहुत ज़्यादा इंटीग्रेट है। जो हमने अभी लेवल्स पढ़े हैं हमें वो यहाँ पे नज़र भी आ रहे हैं कि कंपोनेंट टेस्टिंग, कंपोनेंट इंटीग्रेशन, सिस्टम इंटीग्रेशन, एक्सेप्टेंस। जो लेफ्ट वाली साइड है वो स्टैटिक है, जो राइट वाली साइड है वो डायनेमिक। स्टैटिक है मतलब कि ये वेरीफिकेशन हो रही है यहाँ पर, जो डायनेमिक है यहाँ पर वैलिडेशन हो रही है। वेरीफिकेशन का मतलब होता है रिव्यू करना। वेरिफिकेशन कर रहे हैं आप यहाँ पर प्रोडक्ट आपकी नहीं बनी है, यहाँ गौर से देखें तो यहाँ पे वर्क प्रोडक्ट्स हैं। वर्क प्रोडक्ट कहते हैं हर फेज का आउटकम क्या है, और पूरे सॉफ्टवेयर का आउटकम आपकी मेन प्रोडक्ट होती है। आपके बिजनेस रिक्वायरमेंट्स हैं, इंटरफेस स्पेसिफिकेशन है, सिस्टम स्पेसिफिकेशन, डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन, कंपोनेंट स्पेसिफिकेशन, ये सारे आपके स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या होता है, स्पेसिफाई करना। कोई डॉक्यूमेंट की बात हो रही है, डॉक्यूमेंट्स हैं तो इन डॉक्यूमेंट को रिव्यू करना। इंटरव्यू में एक मेरा क्वेश्चन ये होता है कि हम डॉक्यूमेंट को कैसे रिव्यू करें या हम रिक्वायरमेंट को कैसे टेस्ट करें। तो ये योर रिक्वायरमेंट शुड बी टेस्टेबल, योर रिक्वायरमेंट शुड बी अनएम्बिगुअस। आपके रिक्वायरमेंट है वो मैं पढ़ के कुछ और समझ रहा हूँ, दूसरा पढ़ के कुछ और समझ रहा है। कंसिस्टेंट होनी चाहिए कि शुरू में कुछ और बात लिखी हुई है, आगे मैं जाता हूँ पढ़ता हूँ तो वो उसको निगेट कर रही है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। तो जो स्पेसिफिकेशन होती है उसमें आप ये चीज़ें टेस्ट करते हैं कि वो क्लियर हैं, कंसाइज हैं, अनएम्बिगुअस हैं और टेस्टेबल हैं। बाज़ मरतब ऐसा होता है कि वो रिक्वायरमेंट ऐसी होती है आप उसको टेस्ट ही नहीं कर सकते, आइदर उस पर डिपेंडेंसी होती है किसी ऐसी चीज़ की या ऐसी टेक्नोलॉजी की जो मौजूद नहीं है या बैन है आपके कंट्री में। तो बहुत सारी सिचुएशन हो सकती हैं, तो ये सारी चीज़ें रिव्यू होना चाहिए और उस लेवल के लिहाज से जो है वो टेस्टिंग भी है। तो इसको अगर गौर से देखें जो स्टैटिक है ये वेरिफिकेशन है असल में, और जो डायनेमिक है ये वैलिडेशन है, यहाँ पे एग्जीक्यूशन हो रही है सारी प्रॉपर। और जो स्टैटिक है, स्टैटिक टेस्टिंग कहते ही उसी को है कि एग्जीक्यूट किए बगैर टेस्ट करना, यहाँ एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, यहाँ रिव्यू हो रहे हैं खाली। जबकि जो राइट साइड है मतलब ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, दिस इज़ वेरीफिकेशन एंड दिस इज़ वैलिडेशन। क्लियर है ये? ऑब्जेक्ट कोड जो लिखा हुआ है वो बेसिकली यूनिट टेस्टिंग है? हाँ, यूनिट टेस्टिंग नहीं है असल में, वो कोड वो ये है कि आप कोड को एक सिंपलेस्ट यूनिट पे कंसीडर कर रहे हैं। ओके, ठीक है। अच्छा, फिर एक चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट, इस ग्राफ को समझने की ज़रूरत है, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। कि यहाँ पर टेस्टिंग की इंपॉर्टेंस है कि टेस्टिंग को जल्दी स्टार्ट हो जाना चाहिए। रीज़न क्या है कि स्टडी के मुताबिक के हर वो डिफेक्ट जो नए फेज़ में मूव कर जाए, मतलब ये रिक्वायरमेंट और डिज़ाइन का फेज़ था, फिर कोडिंग, इंटीग्रेशन, सिस्टम एक्सेप्टेंस और फिर प्रोडक्शन है या प्री प्रोडक्शन है। तो जब जब आपका डिफेक्ट, लेट सपोज रिक्वायरमेंट में एक डिफेक्ट था और वो डिज़ाइन में भी आ गया, तो अगर वो डिज़ाइन टाइम पर आइडेंटिफाई हो जाए तो आपको बहुत कम काम करना पड़ेगा उसे फिक्स करने के लिए। और वो अगर डेवलप भी हो जाए तो अब उसकी कॉस्ट बढ़ती ही जा रही है। रीज़न क्या है कि वो जो डेवलपर काम कर रहा है उसकी भी तो कॉस्ट है और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ रही है फिर एप्लीकेशन के अंदर। तो आप जितना जल्दी आइडेंटिफाई करेंगे डिफेक्ट को उतना फ़ायदा है। तो टेस्टिंग के प्रिंसिपल है जो भी हम आगे देखेंगे, तो उनमें से एक प्रिंसिपल है अर्ली टेस्टिंग, या अर्ली टेस्टिंग सेव टाइम एंड मनी। तो आप जितनी जल्दी टेस्टिंग स्टार्ट करेंगे, आप टेस्टिंग को टेस्टिंग फेज़ के लिए ना रोक के रखें, आप रिक्वायरमेंट से ही इंट्रोड्यूस करें अपने जो आपका क्यूए हैं या टेस्टर हैं कि भाई रिव्यू करो रिक्वायरमेंट को।
ठीक है, टेस्टिंग इज अ स्किल, वी कैन हैव ह्यूज नंबर ऑफ पॉसिबल टेस्ट केसेस एंड प्रैक्टिकली इट इज इम्पॉसिबल टू राइट एंड एग्जीक्यूट ऑल ऑफ देम। तो मेरा पास्ट में एक्सपीरियंस माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी काम करने का रहा है, तो हमारे वहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स में 60,000 टेस्ट केसेस ऑटोमेट हुए हुए थे, 60,000। तो इसका मतलब क्या है, 60,000 अगर मैनुअल चलाने बैठे हैं तो कितना टाइम लगेगा। तो इसका मतलब ये है कि ऑटोमेशन की नीड है। तो जो मेन इंपॉर्टेंस है वो ये कि जब आपके पास एक बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ टेस्ट केसेस होते हैं, टेस्ट केस क्या होते हैं, टेस्ट केस है आपके पास एक सिनेरियो है जिसको यूज़ करते हुए आप कोई चीज़ टेस्ट कर रहे हैं, वो आपका टेस्ट केस है, ठीक है। तो जब आपके पास बहुत सारे टेस्ट केसेस हैं तो आप चूज़ किस बेस पे करेंगे कौन से टेस्ट केस चलने चाहिए, आप सारे नहीं चला सकते हैं, सारे एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड है, इतना टाइम होता नहीं है। तो फिर आपको चूज़ करना होगा, आप रैंडम चूज़ करेंगे तो कोई इंपॉर्टेंट चीज़ मिस हो सकती हैं। तो इसका मतलब ये है कि चूज़ करने का क्राइटेरिया बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, यहाँ से मैं रिलेट करूँगा मैनुअल को ऑटोमेशन से, तो इसको ज़रा गौर से समझना है कि एक अच्छे टेस्ट केस के चार एट्रीब्यूट होते हैं कि योर टेस्ट केस शुड बी इफेक्टिव इन टर्म्स ऑफ डिफेक्ट डिटेक्शन, कि आपका टेस्ट केस इतना इफेक्टिव होना चाहिए कि डिफेक्ट फाइंड करके लाए। आपका टेस्ट केस ऐसे लिखा हुआ है जो डिफेक्टिव फाइंड नहीं करता, आप ऐसे 1000 टेस्ट केस लिख दें वो यूज़लेस है, वो बेनिफिट नहीं दे रहे आपको, बजाय इसके आप कम टेस्ट केस लिखें और वो डिफेक्ट को फाइंड कर सकते हो। देन इवॉल्वेबल, आपके टेस्ट केस होने चाहिए जो आगे इवॉल्व हो सकते हो, मेंटेनेंस उसकी हो सकती हो और कम एफर्ट के साथ मेंटेनेंस हो सकती हो। एग्जैम्पलरी, एग्जैम्पलरी का मतलब ये होता है कि योर टेस्ट केस शुड बी टेस्ट मोर देन वन थिंग, आपके एक टेस्ट केस से मल्टीपल चीज़ें टेस्ट हो रही हैं, मतलब एक तीर से आप मल्टीपल शिकार कर रहे हो। देन इकोनॉमिक, कि आपका टेस्ट केस जो है वो इकोनॉमिकल होना चाहिए। इकोनॉमिकल किस लिहाज से, कि उस पर कॉस्ट कम लग रही हो, कॉस्ट कहाँ पे, जब उसे आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जब उसे आप एनालाइज कर रहे हैं, डिबग कर रहे हैं, तो उसकी कॉस्ट कम हो। तो ये एक ग्राफ है, इसको अगर समझ लो तो बात समझ में आ जाएगी कि मैनुअल टेस्टिंग जो इफेक्टिविटी है और जो एग्जैम्पलरी है, ये दोनों चीज़ें जो हैं ये ऑटोमेशन में डील नहीं होती हैं। कि आपका टेस्ट केस इफेक्टिव होगा ये ऑटोमेशन खुद से नहीं फाइंड कर सकता, जो आपका मैनुअल टेस्ट केस लिख रहा है वो अपने दिमाग से लिखेगा उसको, ऑटोमेशन तो जस्ट कन्वर्ट होगा ना स्क्रिप्ट की फॉर्म में कि जो टेस्ट केस लिखा हुआ है। सिमिलरली एग्जैम्पलरी, तो इसलिए ऑटोमेशन के लिहाज से ये दोनों चीज़ें फिक्स हैं, अगर यहाँ पे देखें तो ये फिक्स हैं, ये आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो इसका रीज़न ये है कि ऑटोमेशन जो है वो डिपेंड करती है इन चीज़ों पे, ऑटोमेशन खुद से नहीं डील करती है कि वो इफेक्टिव भी हो जाए और एग्जैम्पलरी भी हो जाए। लेकिन ऑटोमेशन आपको बेनिफिट कहाँ देगी, ऑटोमेशन आपको बेनिफिट देगी एग्जीक्यूशन में, कि लेट सपोज अगर मेरे पास जो है वो 1000 टेस्ट केसेस हैं और मुझे ये रात भर में चलाने हैं, तो मेरे पास अगर 5 रिसोर्सेज हैं तो मेरे वो 5 टेस्टर जो है वो पूरी रात में वो 1000 टेस्ट केस एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, जबकि मैं ओवरराइट उसे एग्जीक्यूट करके सुबह में मॉर्निंग में आऊँ तो मुझे वो मिल सकता है। तो ये बेनिफिट ऑटोमेशन का। तो इसका मतलब क्या है कि मैनुअल की जॉब ख़त्म नहीं हो रही है, लेकिन मैनुअल में उन लोगों की जॉब जो है मेंटेन रहेगी जो बहुत स्किलफुल हैं इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिव टेस्ट केस राइटिंग, या जो सिनेरियो बिल्डिंग है बहुत अच्छी हो। इसके लिए प्रैक्टिस करो, अगर जहाँ बैठे हुए हो रूम में तो वहाँ पर देखो, डिफेक्ट निकालने की कोशिश करो, तुम्हें बहुत सारे डिफेक्ट मिलेंगे। तो ये स्किल है, या प्रैक्टिस से आपकी स्किल डेवलप होना शुरू हो जाती है। तो इस स्लाइड का टेक अवे यही है कि जो आपके ऑटोमेशन है वो खुद से इफेक्टिव नहीं हो सकती, वो खुद से एग्जैम्पलरी नहीं हो सकती, ये दोनों मैनुअल के ज़रिए ही अचीव होंगी। हाँ, वो इवॉल्व होगी और वो जो है क्या नाम है जो इकोनॉमिकल भी होगी, लेकिन मेन बेनिफिट जो है वो इकोनॉमिकल है, लेकिन लॉन्ग टर्म में। अगर आपका 3 महीने का प्रोजेक्ट है, उस 3 मंथ्स में अगर आप ऑटोमेशन करने जा रहे हैं तो मेरे नज़दीक आप हिमाकत कर रहे हैं। ऑटोमेशन का फ़ायदा लॉन्ग रन में, तो अगर आप लॉन्ग टर्म में आपकी टेस्टिंग है तो फिर आप उसको ऑटोमेट करें। ये एक बेसिक सा फ्रेमवर्क है डायग्राम सिलीनियम का, कि आप डिफरेंट स्क्रिप्ट्स लिखते हैं सिलीनियम की और जो फ्रेमवर्क उसे कंट्रोल कर रहा होता है, डेटा आपके बाहर से आता है। अगर आपका डेटा आपके स्क्रिप्ट से बाहर है तो उसे कहते हैं डेटा ड्रिवन। अगर आप
का टेस्ट का डेटा आप ड्राइव कर रहे हैं तो ये डेटा ड्रिवन टेक्निक कहलाती हैं। और AUT कहते हैं एप्लीकेशन अंडर टेस्ट को, कि वो एप्लीकेशन जो जिसको आप टेस्ट कर रहे हैं वो आपका AUT है, और एंड में आपकी रिपोर्ट जनरेट हो जाती है। तो ये एक बेसिक आर्किटेक्चर होता है नॉर्मल ऑटोमेशन का, कि जो भी ऑटोमेशन कर रहा है वो इन चीज़ों को कंसिडरेशन में रखे। थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। कुछ चीज़ें हैं, बग डिफेक्ट एरर मिस्टेक फॉल्ट फेलियर। मैं अपने हर सेशन में ये लाजमी बताता हूँ, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर 10-10 साल लोगों को हो गए हैं लेकिन स्टिल वो अपनी पुरानी डेफिनेशन में जो है वो फंसे हुए हैं, जो उनके जहन में कहीं से डली हुई है, वो उनके गिड़े बने हुए हैं, नोट बनी हुई है उनकी कॉन्सेप्ट में। तो एक पैराग्राफ है ये रट लो, कुछ चीज़ें हैं जो फिंगर टिप्स पर रटी हुई होनी चाहिए। बग डिफेक्ट एरर मिस्टेक फॉल्ट फेलियर। मैं यहाँ पे इंटरेक्टिव थोड़ा सा मैंने कम कर दिया, क्योंकि थोड़ा सा कंटेंट है, मैं चाह रहा हूँ कि वो डिस्कस हो जाए, तो बाद में एटलीस्ट तुम लोग इसको रिपीटेडली देख के रिकॉल भी कर सकते हो। तो ये एक पैराग्राफ है, ये याद कर लो कि अ ह्यूमन बीइंग कैन मेक एन एरर मिस्टेक। एक इंसान से जो मिस्टेक होती है वही एरर है असल में। विच प्रोड्यूसेस अ डिफेक्ट फॉल्ट बग। उस मिस्टेक या एरर की वजह से डिफेक्ट फॉल्ट या बग आता है। कहाँ आ सकता है? इन प्रोग्राम कोड और इन डॉक्यूमेंट। इसका मतलब यह है कि डिफेक्ट फॉल्ट या बग प्रोग्राम में भी आएगा, किसी कोड में भी आएगा और डॉक्यूमेंट में भी आ सकता है। जो भी हमने स्टैटिक टेस्टिंग की बात करी है, अगर रिक्वायरमेंट में कुछ मिस हो गया है तो वो बग है वहाँ का, ठीक है। सो इफ़ अ डिफेक्टिव कोड इज़ एग्जीक्यूटेड द सिस्टम में फेल टू डू वाट इट शुड डू कॉजिंग अ फेलियर। इसका मतलब यह है वो डिफेक्ट वाला कोड अगर एग्जीक्यूट हो गया तो सिस्टम ऐसा बिहेव करने लगेगा जैसा उसे नहीं करना चाहिए, उसकी वजह से फेलियर आ सकता है। फेलियर होगा नहीं, फेलियर आ सकता है। ये ISTQB की डेफिनेशन है। तो ये जो है सीना तान के तुम बोल सकते हो कि भाई ये ISTQB की है। अगर इंडस्ट्री के अंदर एक गलत डेफिनेशन क्या चल रही है कि आफ्टर डिप्लॉयमेंट जो है वो डिफेक्ट हो जाता है, उससे पहले वो बग होता है, ठीक है, ये गलत डेफिनेशन है। डिफेक्ट फॉल्ट या बग जो हैं वो तीनों सेम चीज़ों के नाम है। फिर ये तीन अलग अलग एग्जिस्ट क्यों करते हैं? जो मेन चीज़ है वो है फॉल्ट, ठीक है। प्रोडक्ट में इस फॉल्ट को डिफेक्ट कहा जाता है, और सॉफ्टवेयर केस में इस फॉल्ट को जो है वो बग कहा जाता है। आप ये नहीं कहेंगे अगर पैन में कोई इशू है या मार्कर में कोई इशू है तो इसके अंदर बग है, आप ये नहीं बोलेंगे। आप ये बोलेंगे डिफेक्ट है, डिफेक्टिव पीस है। समझ में आ रही बात? जो आपकी नॉर्मल फिजिकल प्रोडक्ट्स होती हैं उसके लिए आप टर्म यूज़ करते हैं डिफेक्ट, जबकि बग जो है वो सॉफ्टवेयर की टर्म है, और असल में ये फॉल्ट है। फॉल्ट का मतलब क्या है? मिसमैच फ्रॉम एक्सपेक्टेड टू एक्चुअल। जो आपका एक्सपेक्टेड बिहेवियर है उससे डेविएट कोई चीज़ कर रही है, तो ये आपका फॉल्ट है, बग या डिफेक्ट है। इसकी वजह से फेलियर होगा। फेलियर का मतलब क्या है? फेल टू मीट कस्टमर एक्सपेक्टेशन और रिक्वायरमेंट। कस्टमर की एक्सपेक्टेशन और रिक्वायरमेंट, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। लास्ट लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कि डिफेक्ट इन सॉफ्टवेयर सिस्टम और डॉक्यूमेंट में रिजल्ट इन फेलियर बट नॉट ऑल डिफेक्ट्स डू सो। इसका रीज़न क्या है या इसकी सपोर्ट में एक पॉइंट है वो समझो, कि हम कस्टमर को जब कोई भी सॉफ्टवेयर रिलीज़ करते हैं तो डिफेक्ट्स के साथ करते हैं। हम रिलीज़ नोट्स में बताते हैं कि नॉन डिफेक्ट्स ये हैं जो हमने फाइंड किए हुए हैं, हम आगे आपको उसको फिक्स करके देंगे। बात समझ में आ रही है? कस्टमर को पता होता है। इसको इस तरह समझो कि आप मोबाइल की कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पे जो रिलीज़ नोट्स होता है वहाँ पे वो लिख के बताते हैं आपको, जाके देख चेक करना रिलीज़ नोट्स में, ठीक है। तो ये पैराग्राफ रटा होना चाहिए कि एरर मिस्टेक एक ही चीज़ें हैं, डिफेक्ट फॉल्ट और बग एक ही चीज़ें हैं। डिफेक्ट फॉल्ट बग जो है मिसमैच को कहते हैं, और फेलियर जो है वो डिफेक्ट की वजह से आ सकता है। फेलियर का मतलब है कि मिसमैच, वो मिसमैच जो कस्टमर एक्सेप्ट ना करे, ठीक है। अच्छा, टेस्टिंग के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, 7 टेस्टिंग प्रिंसिपल्स, ये भी ISTQB के हैं, कि टेस्टिंग शोज प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट्स। कि आप टेस्टिंग करेंगे तो आपको डिफेक्ट्स मिलेंगे, मतलब टेस्टिंग आपको ये तो बताती है कि डिफेक्ट्स कितने आइडेंटिफाई हो गए, ये नहीं बताती कि मज़ीद कितने मौजूद हैं। अच्छा, प्रिंसिपल्स कहते हैं यूनिवर्सल फैक्ट को या प्रूविन फैक्ट्स। ये फैक्ट्स प्रूव हो चुके हैं, इनको गलत साबित करने के लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये गलत है, ठीक है।
तो प्रिंसिपल नंबर वन यही है कि टेस्टिंग शोज प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट्स, एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज़ इम्पॉसिबल। एग्जॉस्टिव टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि हर इनपुट कम्बिनेशन के साथ टेस्ट करना, तो प्रैक्टिकली दिस इज़ इम्पॉसिबल टू टेस्ट एनी थिंग विद ऑल पॉसिबल इनपुट कम्बिनेशन। तो जब ये इम्पॉसिबल है तो फिर हम तो आज़ाद हो गए, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारी डिफरेंट टेस्ट डिज़ाइन टेक्निक्स हैं, वो यूज़ किए जाते हैं टेस्ट कवरेज को मैक्सिमाइज करने के लिए, ताकि ज़्यादा टेस्टिंग हो सके। अर्ली टेस्टिंग सेव टाइम एंड मनी, कि टेस्टिंग को आप जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतनी जल्दी आपके डिफेक्ट फाइंड होना शुरू हो जाएंगे। डिफेक्ट क्लस्टरिंग, आपके डिफेक्ट्स जो हैं वो सिस्टम के अंदर क्लस्टर्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं। तो अगर आपके पास किसी एक जगह से बहुत सारे डिफेक्ट्स फाइंड हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वहाँ पूरा क्लस्टर मौजूद है। यू नीड टू अनकवर एंटायर क्लस्टर, क्योंकि इंटर रिलेटेड डिफेक्ट्स बहुत मौजूद होते हैं। देन प्रिंसिपल नंबर फाइव जो है वो है पेस्टिसाइड पैराडॉक्स। पेस्टिसाइड पैराडॉक्स का मतलब ये है कि आपको अपने टेस्ट केस को रेगुलर बेस पे अपडेट करते रहना चाहिए, न्यू से न्यू सिनेरियोज ऐड करते रहना चाहिए। क्योंकि लेट सपोज आपने 500 टेस्ट केसेस बना दिए हैं, तो आपके पास डिफेक्ट वही डिफेक्ट्स निकल के आएंगे जो उन 500 टेस्ट केसेस में मौजूद हैं। होता ये है कि जब भी आपकी टीम के अंदर कोई नई रिसोर्स आती है तो नए एक तरह के डिफेक्ट्स निकल के आने लग जाते हैं। उसका रीज़न ही ये है कि वो एक न्यू अलग तरह के व्यू से देख रहा होता है, या एक डिफरेंट माइंडसेट से टेस्ट कर रहा होता है। तो इसीलिए आपको कंटिन्यूसली अपने टेस्ट केसेस को अपडेट करते रहना चाहिए, न्यू से न्यू सिनेरियोज आइडेंटिफाई डालते रहना चाहिए जिससे डिफेक्ट फाइंड हो सकें। देन टेस्टिंग इज़ कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट। टेस्टिंग हमेशा कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट होती है। इसको इस तरह समझो कि मेरे पास एक अगर रिसोर्स है जो क्रिटिकल सिस्टम को टेस्ट कर रही है, क्रिटिकल सिस्टम वो जिससे किसी की जान जा सकती है, और एक वो है जो गेमिंग को टेस्ट कर रही है, और मैं इन दोनों को स्वैप कर दूं तो डिज़ास्टर हो जाएगा। क्योंकि जो क्रिटिकल सिस्टम को टेस्ट कर रहा है वो बहुत ज़्यादा प्रिसाइजली टेस्ट कर रहा होगा हर चीज़ों को, जबकि गेम में इतनी ज़्यादा प्रिसाइजली की टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं होगी, मार्जिन होगा वहाँ पे। जबकि जो गेम वाला है, अगर वहाँ पे उसने कैजुअल स्टाइल अपनाया, किसी की जान जा सकती है। तो टेस्टिंग कॉन्टेक्स्ट, अब यहाँ कॉन्टेक्स्ट जो है वो डोमेन भी है जो मैंने भी बताया, प्लस यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट लेवल भी हो सकते हैं। हम डिफरेंट लेवल ऑफ टेस्टिंग में अलग अलग तरह की चीज़ें टेस्ट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे भी कॉन्टेक्स्ट जो है चेंज हो सकता है। देन लास्ट है एब्सेंस ऑफ एरर फैलेसी। अगर आपके पास डिफेक्ट, आप टेस्टिंग आपने कर लिया और आपके पास डिफेक्ट फाइंड होके नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि फेलियर नहीं हो सकता। फेलियर फिर भी हो सकता है, कि आप पेस्टिसाइड पैराडॉक्स में फंस सकते हैं जिसकी वजह से फेलियर हो सकता है, या आपने कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को नहीं समझा है उसकी वजह से भी फेलियर हो सकता है। तो ये 7 टेस्टिंग प्रिंसिपल्स हैं, और ये दीज आर प्रूवन फैक्ट्स। फिर कुछ चीज़ें हैं कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, इनको मैं स्किप कर रहा हूँ, और मैं क्वेश्चन लेना चाहूँगा यहाँ पे, क्योंकि टाइम जो है ये काफ़ी सारा हो गया है। तो अब ओवरऑल सेशन, क्योंकि चीज़ें बहुत सारी हैं, और अगेन ये मैं शो कर रहा हूँ शेयर, तो मुझसे कनेक्ट करने के लिए जो है वो ये डिटेल्स यूज़ कर सकते हो। किसी का कोई सवाल किसी भी लेवल का, शूज़ लेके अब तक जो हमने चीज़ें डिस्कस करी हैं, क्योंकि टेस्टिंग की डिटेल्स के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। इसमें बस मेरा आखिरी क्वेश्चन ये था कि एक हमने अपनी एक स्लाइड दिखाई थी जिसमें